Oke, okay, Malik. Okay, Malik. So, good morning. Hopefully, everybody is doing good. और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे. तो भारत माता की जय. मालिक, तीन चार चीजें अपन ने कल क्लियर की. पहली एक चीज वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं और वापस मैं क्लियर कर दूं. कल वैसे टेलीग्राम पे सब वो क्वेरी चल रही थी, सर मेरे को ऑडिट और रिव्यू नहीं समझ में आया. अरे मैं बोल रहा भाई, मैंने समझा है किधर. तो आप ये समझिए, कल का लेक्चर खाली अपन स्ट्रक्चर बना रहे हैं. वी आर नॉट इन टू लेक्चर नॉर वी आर इन टू चैप्टर. अपन सब करेंगे आज और कल का, सिर्फ और सिर्फ अपन स्ट्रक्चर बना रहे हैं. अपन एक कीवर्ड समझ रहे हैं, कुछ शब्दों को याद रख रहे हैं, कुछ शब्दों के पॉइंट है. सर नहीं समझा उसमें कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि कंटेंट ही नहीं है ना. कंटेंट जब जाएगा तब रखेंगे, लेकिन कुछ कुछ मोटा मोटी अपने को याद आना चाहिए. जैसे मैंने एग्जांपल एक चीज मैंने आपको बताई कि सर मैं अगर प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूं तो मेरे को कौन से काम कर सकता हूं. वैसे मैं कंसल्टिंग कर सकता हूं, मैंने आपको ये बताया, पर इसके लिए आईसीआई अपने को गवर्न नहीं करेगा. यानी टैक्स कंसल्टिंग करना है मेरे को तो आईसीआई गवर्न नहीं करता. आईसीआई बोलता है टैक्स कंसल्टिंग कर रहा है, तेरे को गवर्न करने वाला इनकम टैक्स एक्ट है. ओके, तू खाली हमारे गुडविल अच्छे से रख. यानी तू सामने जाएगा, सामने वाला बोलेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट आया है, यानी आईसीआई का बंदा है. उतना गुडविल तू हमारा मैनेज कर भाई, उस गुडविल की बाण मत बजा. उतने के लिए स्ट्रक्चर वाइज रखने के लिए अपने को बताया हुआ है. बट टू द एक्सटेंट, ओके, इस कहानी को अगर मैं समझू, जिसपे आईसीआई अपने को कंट्रोल रखती है वो कौन से नॉर्म्स है. जिसपे आईसीआई अपने को कंट्रोल रखती है चार, कौन से, ऑडिट, रिव्यू, एश्योरेंस एंड रिलेटेड. अकाउंट्स कभी नहीं बोला जाता है. अकाउंट्स किसका हिस्सा बनता है? रिलेटेड सर्विसेस, रिलेटेड सर्विस. और अकाउंट्स भी नहीं बोला जाता, उसमें अपन वर्ड क्या यूज करते हैं? अपन कंपाइलेशन. वर्ड क्या यूज करते हैं? कंपाइलेशन. तो इंस्टीट्यूट अपने ऊपर कंट्रोल कैसे रखती है ये चार चीजों पे? तो मैंने आपको बताया इसके लिए स्टैंडर्ड्स है. कौन से स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट इसके ऊपर रखती है? चार. कौन से स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेस. फिर आपको मैं कुछ शब्दों की तरफ लेके गया, शायद आपको याद है. पहला शब्द था फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या बैठने के लिए बेटा? चार चीजें. जब भी मैं बोलूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपने पूरे ऑडिट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम चार चीजों को मानेंगे. मैंने आपको बताया भी, ये चीज भी मैंने बताई कि लॉ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट 129 का जिक्र कर रहे हैं. ओके, बल्कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाहर वालों को देना है तो हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ क्या देना पड़ेगा? ऑडिट रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी. ओके, तो यानी बाहर वालों को जब देते वक्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन ऑडिट के लिए ऑडिट रिपोर्ट नहीं इंक्लूड होती है. ऑडिट के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट चार चीजें होती है. कौन सी चार चीजें बेटा? बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो एंड नोट्स. ये चार चीजें अपने को ध्यान में रखनी है. ठीक है मालिक, ये चार चीजें जेपी मालिक. ठीक है, ये होने के बाद मैंने आपको बताया अपने को क्या देखना क्या है. अपने को ढूंढना है मिसस्टेटमेंट. तो मैंने आपको समझाया मिसस्टेटमेंट मतलब क्या है, जो होना चाहिए और जो है, इन दोनों में फर्क है, दैट इज कॉल्ड मिसस्टेटमेंट. फिर मैंने आपको ये भी बताया छोटे छोटे मिसस्टेटमेंट थोड़ा पकड़ते बैठेंगे यार. एक दो रुपए का कुछ प्लस माइनस हुआ ठीक है यार, लेकिन एक दो रुपए का मस माइनस ना हो, इसके लिए ऑडिटर को अपना एक जजमेंट लगाना होगा. वो जजमेंट लगाएगा एक कॉन्सेप्ट की तरफ. वो कॉन्सेप्ट का नाम क्या होगा? मटेरियलिटी. मटेरियलिटी का डेफिनेशन क्या दिया था मैंने आपको? मटेरियलिटी मतलब एनीथिंग विच इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक. शब्द क्या है? इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग ऑफ यूजर. इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग ऑफ यूजर इज कॉल्ड मटेरियलिटी. मटेरियलिटी का मतलब क्या है समझ में आया मालिक? ये मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा. मटेरियलिटी होने के बाद मैंने आपको बताया मिसस्टेटमेंट होने के कारण बताइए मालिक. मिसस्टेटमेंट होने के कारण क्या है? मिसस्टेटमेंट होने के कारण आपके पास दो है, एक है फ्रॉड और एक है एरर. मेरे को बताइए फ्रॉड और एरर में क्या फर्क है मालिक? इंटेंशनल और अनइंटेंशनल. ओके, अब फ्रॉड हो या एरर हो, इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल हो, अपने को ध्यान रखना है कि मिसस्टेटमेंट होने के पूरे चांसेस होते हैं. एक सेकंड ना मालिक, अब बंद हो ना बे. अच्छा ये रिमोट नहीं है क्या? ये नहीं है, ब्लैक कलर का ये वे तो और कोई रिमोट भी नहीं है ये. एक सेकंड, ओके okay. फिर मैंने आपको बताया फ्रॉड और एरर की कहानी लगा बोलो इधर आ जाना, नहीं तो ये साइड में आ जाना, ये साइड में दिख रहा ना. हाँ, फ्रॉड एरर की कहानी मैंने आपको समझा कि फ्रॉड और एरर क्या होता है. फ्रॉड और एरर, ओके, जो चीजें इंटेंशनल होती है वो फ्रॉड होती है, जो अन इंटेंशनल होती है वो एरर होती है.
ठीक है, ये होने के बाद अपन ने एक कॉन्सेप्ट समझा जिसमें मैंने आपको बताया ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव, ऑडिट करने का मकसद, ऑडिट करने का मकसद क्या है, ओके, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड गिव रिपोर्ट, ओके, यानी अभी आप और एक शब्द क्या इसमें मिला, रीजनेबल एश्योरेंस। मालिक मुझे बताइए रीजनेबल एश्योरेंस और एब्सोल्यूट एश्योरेंस में डिफरेंस क्या है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब 100%, रीजनेबल एश्योरेंस मतलब एनीथिंग विच इज हाई लेवल, एक शब्द ऐड करने बोला था मैंने, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, एनीथिंग विच इज ए हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज कॉल्ड रीजनेबल एश्योरेंस, इज कॉल्ड रीजनेबल एश्योरेंस, इज दैट पॉइंट क्लियर, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो इसको आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, जब मैं रीजनेबल एश्योरेंस की बात करता हूं आपको ये ध्यान में आना चाहिए, अब इस कॉन्टेक्स्ट को अपने को समझना है, जो अपन ने एग्जांपल लिया 96%, तो अब 96% को ठिकाने लगाओ और दिमाग में ये रखो 96% एश्योरेंस है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सर अगर एश्योरेंस नहीं मिला, सपोज रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिला, तो मैं रिपोर्ट में डालूंगा। अब रिपोर्ट दो तरह की होती है, मैंने कल के बेसिक में रिपोर्ट दो तरह की कौन सी होगी, मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड। मॉडिफाइड रहा तो ओके, मॉडिफाइड रहा तो रिलाय नहीं कर सकते, ओके, अनमॉडिफाइड रहा तो रिलाय कर सके, यानी ऑडिटर किसमें खुश है, ऑडिटर हैप्पी किससे, कंपनी से हैप्पी कब है, अनमॉडिफाइड, ऑडिटर दुखी कब है, मॉडिफाइड। इधर तक क्लियर है मालिक, ठीक है। अब और कुछ शब्द को अपन अडेप्ट करते हैं, कुछ शब्द अडेप्ट करने के बाद समझते हैं कि अपना ऑब्जेक्टिव क्या, स्ट्रक्चर क्या, और कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे स्ट्रक्चर डिफाइन करना। अब जब अपन समझाने की बात करते हैं तो और एक कॉन्सेप्ट आता है, सर ये रीजनेबल एश्योरेंस आने के लिए, रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। वैसे एश्योरेंस का मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था, एश्योरेंस है मेरा, एश्योरेंस है कॉन्फिडेंस, ओके, ऑडिटर तुझे कॉन्फिडेंस ऑब्टेन करना है, ऑडिटर तुझे क्या ऑब्टेन करना है, कॉन्फिडेंस, क्या कॉन्फिडेंस ऑब्टेन करना है, अभी शब्द को तोड़ो ना, शब्द को तोड़ो ना, यही शब्द को तोड़ो, ऑडिटर टू ऑप्टेन कॉन्फिडेंस, रीजनेबल एश्योरेंस छोड़ो, टू ऑप्टेन कॉन्फिडेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। इसको छोड़ दो, ये छोड़ दो, वापस आते हैं, वापस मेरे को स्टेटमेंट बताओ, टू ऑप्टेन कॉन्फिडेंस, अपन को कॉन्फिडेंस ऑप्टेन करना है, अगर अपन को कॉन्फिडेंस ऑप्टेन हुआ तो अपन अनमॉडिफाइड बोलेंगे, अगर अपन को कॉन्फिडेंस ऑप्टेन नहीं हुआ तो हम मॉडिफाई करेंगे, ओके, इज दैट पॉइंट क्लियर। अब क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, देखो सुनो, स्टेटमेंट सुनो, टू ऑप्टेन कॉन्फिडेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। मेरा क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा, ये मुझे कैसे मिलेगा, ये कॉन्फिडेंस मुझे कैसे आएगा मालिक, दैट्स माय क्वेश्चन नाउ, यू मीन आंसर, मेरे को कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा, मुझे कॉन्फिडेंस क्या लेना है, मुझे वापस क्वेश्चन बताओ, मुझे कॉन्फिडेंस क्या लेना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या नहीं है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, इज दैट पॉइंट क्लियर। अब मेरा क्वेश्चन है, इसका कॉन्फिडेंस मुझे कैसे मिलेगा, एज ए ऑडिटर को कैसे मिलेगा, एग्जामिनेशन करना, एग्जामिनेशन करके क्या करोगे, एग्जामिनेशन करके कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, एग्जामिनेशन करके क्या करोगे, इविडेंस बढ़ाया, क्या लेना, इविडेंस, एग्जामिनेशन भी करोगे तो क्या मिलेगा, इविडेंस, इसीलिए और एक शब्द आता है दैट इज कॉल्ड ऑडिट इविडेंस, यानी ये शब्द क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस का वापस कॉन्फिडेंस, मेरे को मतलब चाहिए रीजनेबल एश्योरेंस मतलब क्या, नहीं मीनिंग इट इज एन हाई लेवल एश्योरेंस बट नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस, मेरे को याद करके बताओ एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं है, कल मैंने समझा, एक रीजन ही दो मेरे को कल का ही है, क्योंकि चीजें कौन दे रहा है, चीजें मतलब इविडेंस, तो इविडेंस कौन दे रहा है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक डाउट आएगा, पर अल्टीमेटली किसकी वजह से कॉन्फिडेंस आएगा, एविडेंस, यानी ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एविडेंस, ओके, उसको हम लोग शब्द बोलते हैं ऑडिट एविडेंस, क्या बोलते हैं, ऑडिट एविडेंस मुझे अवश्य चाहिए, क्या शब्द बोलते बेटा, ऑडिट एविडेंस, ओईईई शॉर्ट फॉर्म यूज करो, ऑडिट एविडेंस, ओके, याद रखिए, घाई मत करिए, इधर आइए, ऑडिट एविडेंस हमेशा, ऑडिट एविडेंस हमेशा SAAE होने चाहिए, ऑडिट एविडेंस हमेशा SAAE होने चाहिए, ऑडिट एविडेंस हमेशा SAAE होने चाहिए। सर SAAE का मतलब सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, घाई ने वापस आते हैं, ऑडिट एविडेंस कैसे होने चाहिए, SAAE का फुल फॉर्म सफिशिएंट
एंड एप्रोप्रिएट, वापस आते हैं सफिशिएंट एंड। तो मेरा क्वेश्चन है, ऑडिटर ने जो ऑडिट एविडेंस लेना है वो, मेरा क्वेश्चन वापस आ रहा है, ऑडिट एविडेंस ले क्यों रहा है वो? कॉन्फिडेंस वर्ड, रीजनेबल एश्योरेंस के लिए। तो ऑडिट एविडेंस ले क्यों रहा है? ताकि उसको क्या है, रीजनेबल, रीजनेबल एश्योरेंस क्यों आना चाहिए? ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। ओके, उसके कॉन्फिडेंस के लिए या रीजनेबल एश्योरेंस के लिए वो क्या ले रहा है? ऑडिट एविडेंस। वो जो ऑडिट एविडेंस ले रहा है वो कैसे होने चाहिए? एसई, उसका फुल फॉर्म सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। ओके, अब मेरे को उसके पहले सफिशिएंट एप्रोप्रिएट के कॉन्सेप्ट में समझाता हूं, लेकिन उसके पहले मेरे को बताओगे, मेरे को बताओ कितने, अभी एग्जांपल आप एक एचयूएल कंपनी में है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है। बेसिकली एचयूएल एक ऐसी कंपनी जहां पर मैं ऑडिट कर चुका हूं, इसलिए मेरे को याद है। ओके, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग की कहानी लाइफ का स्टैट्यूटरी ऑडिट जो चालू हुआ था वो हम ऐसे ही, मतलब एचयूएल से चालू हुआ, पीडब्ल्यूसी में था, पीडब्ल्यूसी के बाद 2006 में उनका ऑडिट था, 2006 2007 2008 वो लोग ऑडिटर थे, 2009 में पीडब्ल्यूसी का सत्यम का किसी की वजह से उनको रेस्ट्रिक्शन डाले और 2009 में उनको निकाला गया, फिर केपीएमजी एंड डेलॉइट्स इनके पास गया, बट वो 2006 की कहानी में एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। मेरे ख्याल से एचयूएल सबने सुना होगा। ओके, आप जो जो प्रोडक्ट यूज करते हो घर पे, मैं आपको बता रहा हूं मैक्सिमम चीजें, मतलब ऐसा होगा 50% से ज्यादा एचयूएल की होगी। ओके, सर्फ एक्सेल से लेकर पेप्सोडेंट से लेकर, ओके, जो जो चीजें आप यूज कर रहे हो जो एचयूएल की होगी, जो तुम्हें पता ही नहीं कि एचयूएल की है। अगर एचयूएल की बात करें, इतना बड़ा उनका फूड डिवीजन है, इतना बड़ा उनका सोप डिवीजन है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आप इमेजिन करते हो, इसीलिए उनको एफएमसीजी बोला जाता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, करोड़ ऑफ ट्रांजेक्शन, सेल ट्रांजेक्शन, करोड़ ऑफ ट्रांजेक्शन। अपन गूगल पे देख के बैलेंस शीट सब देखते हैं, पर वो थोड़े टाइम बाद, पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए अभी बता रहा, करोड़ ऑफ ट्रांजेक्शन है। अब मेरा क्वेश्चन है, तुझे ऑडिट करना है, ऑडिट करने के लिए अभी तक कल का शब्द क्या दिया मैंने, ऑडिट मतलब क्या, एग्जामिनेशन। मेरे को बताओ कितने ट्रांजेक्शन एग्जामिन करने हैं? करोड़, एकदम कहते 5000 करोड़ ट्रांजेक्शन है उन्होंने, 5000 करोड़, मैं तो बहुत कम बोल रहा हूं मैं, पर तो भी तुम्हारे मतलब फिगर आए तो इसीलिए, अगर उनका अपने एक्चुअल लिया तो फिगर भी नहीं आएगा। तो मैं, मेरा क्वेश्चन है 5000 करोड़ ट्रांजेक्शन है, तो मेरा क्वेश्चन है क्या आप सारे 5000 करोड़ ट्रांजेक्शन समझ में आ रहा है? सेल्स, 5000 करोड़ का सेल्स नहीं है, 5000 करोड़ का ट्रांजेक्शन है। सेल फिगर आप लगा सकते हो, लैक्स ऑफ करोड़ में सेल है। तो मेरा क्वेश्चन है, ओके, आप एज ए ऑडिटर मेरे को बताओ आपका मेन मकसद क्या, वापस आते हैं, वापस मेन मकसद इसको छोड़ो मत, मैं वापस बोल रहा हूं, देखो आप एकदम सही तरह से बेस पकड़ के चलो, और बेस मेरा यही है, ये छूटना नहीं चाहिए, और ये जैसे इसके साथ जो जो मैं लिंक करूंगा ना, उसके बाद ऑडिट का डेफिनेशन 2 मिनट में खत्म होगा। तो क्योंकि आपको वही समझा रहा हूं, पर मेरा समझाने का तरीका अलग है, हर जन का अपना अपना यूनिक तरीका है। ओके, जरा अपनी फिलोसफी तो एकदम क्लियर है भाई, जो दुनिया को आता है वही अपने को आना है, जो दुनिया को नहीं आता वो भी अपने को आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ये है, तो मेरे को बताओ ये डेफिनेशन के हिसाब से तुम्हें कॉन्फिडेंस लेना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। अब कॉन्फिडेंस लेने के लिए मैंने क्या बोला, तुम्हें क्या चाहिए, ऑडिट एविडेंस। अब एविडेंस किसके, कितने का लोगे, 5000 करोड़ ट्रांजेक्शन, कुछ एनालाइज हो रहा है ना फिगर। ओके, 1 करोड़ 5 करोड़ नहीं बोल रहा, 5000 करोड़ ट्रांजेक्शन, मेरे को बताओ क्या करोगे, क्या अर्जन एक, हाँ मेरे को ये बताओ वैल्यू को क्या करेंगे, हा हाई रहा उसको चेक करेगा, जो लो रहा उसको सैंपल लेगा, ये बोला सैंपल लेगा, यानी ये बोल रहा 5000 चेक नहीं करेगा, 5000 करोड़ चेक नहीं करेगा, समझ में आ रहा है, ये क्या बोला सैंपल लेगा, कोई दूसरा आंसर, ये बोला सैंपल लेगा, ये सैंपल का तरीका बताया इसने, ये बोल रहा सैंपल का तरीका, क्या बोला इसने, इसने बोला बड़े अमाउंट को चेक करेंगे छोटे अमाउंट को चेक नहीं करेंगे, यानी एचयूएल को ये पहले से पता होगा कि तुम छोटे अमाउंट चेक नहीं करोगे, तो एचयूएल फ्रॉड किस में करेगा, ये सबको पता है। ओके, अगर मैंने बोला 5000 खर्च हुआ तो शायद 5000 देखेगा, मैं बोलूंगा 10 रुपए मैंने इडली वाले को दिए है, तो बोलेगा 10 रुपए ना छोड़ना क्योंकि मटेरियल नहीं है, और 10 रुपए में मैं इडली वाले को दूंगा नहीं, अपनी जेब में रख दूंगा कंपनी का पैसा, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है वो पॉइंट है, पर मेरा लॉजिक क्वेश्चन समझ में आ रहा है। एक आंसर आया 5000 के 5000 नहीं देखेंगे, 5000 करोड़ नहीं देखेंगे, हम फिल्टर करेंगे, फिल्टर क्या करेंगे सैंपल, ये बोल रहा है हाई वैल्यू वाले देखेंगे लो वैल्यू वाले नहीं देखेंगे, और कुछ आंसर मालिक रैंडमली चेक करेंगे, मतलब तू भी सैंपल भी आ रहा है, तू सैंपल का तरीका बोल रहा है, इसने बोला रैंडमली चेक करेंगे मतलब सैंपल ही हुआ ना, खाली सैंपल का तरीका इसने बोला, पर सैंपल ही हुआ, और कोई सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है, ट्रेंड है,
ठीक है, ट्रेंड भी रहा, ट्रेंड भी रहा, तो भी तू चेक क्या करेगा, पूरे चेक करेगा या फिल्टर करेगा? तो फिल्टर पे आ रहा है, इन शॉर्ट तू भी वापस वही एक कैटेगरी में आ रहा है। या तो हम लोग क्या करेंगे, सैंपल। ओके सर, मतलब अल्टीमेटली किधर आ रही है सबकी कहानी, सैंपल किस में आ रही है? कोई बोल रहा है पूरा चेक करेंगे, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल बेटा? कॉस्ट ज्यादा होगा। ओके, अब मेरे को बताओ, ये बोला कॉस्ट ज्यादा होगा, इसका मतलब ऑडिट में खर्चा। डू यू थिंक ये वैलिड रीजन है आपने पूरा ऑडिट नहीं करना? मैं आपको बोल रहा हूं, देखो रीजनेबल एश्योरेंस का कारण क्या दिया था कल मैंने, बहुत तोड़ पिटूंगा मैं, बहुत तोड़ पिटूंगा। मेरे को बताओ रीजनेबल एश्योरेंस क्यों मिल रहा है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं मिल रहा है? क्लाइंट पे डिपेंडेंट है। मैंने कहीं पर ये नहीं बोला ज्यादा ट्रांजेक्शन, कल मैंने बोला मां कसम फिटेगा तोड़, गल गड़बड़ मत करना सालो। ओके भाई, इज्जत उतर जाएगी अपनी। ओके पॉइंट ये है, क्या ये रीजन दे सकता है? नहीं नहीं, खर्चा ज्यादा होने लगा इसलिए मैं पूरे नहीं चेक करूंगा, मैं तो कम चेक करूंगा। चार्ज करना फिर, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन है कि पूरा चेक करो। एक तरीका क्या बताया उसने, सैंपल करना। अभी जो जो आप बोल रहे हो सैंपल में आ रहा है, और एक तरीका है पूरा चेक करना। अब पूरा चेक करना या सैंपल करना, क्यों नहीं देगा मैडम? क्लाइंट इज बाउंड टू गिव। मैंने क्या बताया, क्या समझाया, क्लाइंट अगर नहीं देता है तो मैं तोड़ दो दरवाजा करके ले नहीं सकता। लेकिन मैंने ये बोला क्लाइंट वैसा हो सकता है, वो एक खराब क्लाइंट होगा ना, हर क्लाइंट थोड़ी ना से खराब होंगे मैडम, मैं अच्छा क्लाइंट हूं, मेरा ऑडिटर बहुत खुश है। मेरे को सैलरी ऑडिट नहीं है, पर टैक्स ऑडिट है, मतलब कमाते हैं भाई थोड़ा बहुत, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा टैक्स ऑडिट को टच करके मौत को छू के वापस आ जाता। डेफिनेटली मेरा बिजनेस मॉडल इज ऑन ऑनलाइन, मतलब फेस टू फेस, तो अपन इधर और मुंबई ये दो केस में अपन ज्यादा सेटअप ऑनलाइन में, मतलब अपना ये वाले सिनारियो में, बट फिर भी गरीब है ऐसा ऐसा। अमीर लोग कौन होता है, विनोद रेड्डी, प्रशांत सारडा, ये लोग होते हैं ऐसे। नॉनो गाड़ी क्या, मैं ऐसे गाड़ी अपन ने लोन पे ली है, बैंक के पैसे, बैंक नहीं बैंक। तो मेरा क्वेश्चन है, तुम मेरे को बताओ पूरा चेक करूँ या सैंपल? पूरा। ओके सर, परवड़ेगा नहीं सर, परवड़ेगा नहीं सर, कॉस्ट ज़्यादा जाएगी, तो फिर तो उससे अच्छा ऑडिट ही मत लो। अभी एग्जांपल, इस कंपनी से मेरे को जो फीस आ रही है वो 20 करोड़ आ रही है। ओके सर, मेरे को खर्चा जा रहा है 40 करोड़, करना चाहिए? गुड, नहीं नहीं, आपने पास ऑडिट है, ये बताने के लिए करूँ मैं? जेब से पैसे डालेंगे? मैं ऑपन बोल रहा हूं, देखो मैंने क्या बोला आपको समझने को शुरू, मैंने बोला कॉस्ट ज्यादा लग रही है इसीलिए आप चेक नहीं कर रहे, ये रीजन वैलिड नहीं। आप ऐसा बोल रहे हो कि नहीं नहीं सर खर्चा बहुत आएगा इसीलिए मैंने चेक नहीं किया, इसीलिए मैं सैंपल पे गया। अरे ये बेवकूफी है, ये झंड है, ये सही नहीं है ऑडिट में, अपने को ऑडिट में ये रीजन नहीं चलेगा। आईसीआई कोड ऑफ एथिक्स लगाएगा अगले दिन से 3 महीने के लिए, तो मिनिमम बर्खास्त होगा। तो सर फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या है, इसको हम टर्मिनोलॉजी समझते हैं, दैट इज कॉल्ड दिस टू वर्ड, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। ओके, ऑडिट एविडेंस शुड बी, अपना ऑडिट का, ऑडिट के स्टैंडर्ड्स अपने को बताते हैं कि ऑडिट एविडेंस हमेशा कैसे होने चाहिए, सफिशिएंट होने चाहिए, एप्रोप्रिएट होने चाहिए। ओके सर, सफिशिएंसी मतलब क्या? सफिशिएंसी मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी, घाई मत करिए, दिमाग में डालिए। और दूसरा ए का मतलब क्या था? एप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी। जब भी आप ऑडिट एविडेंस लेते हैं मालिक, आप हमेशा दो चीज की तरफ फोकस करिए, एक होता है सफिशिएंसी और एक होता है एप्रोप्रिएटनेस। सफिशिएंसी इज मेजर बाय क्वांटिटी, एप्रोप्रिएटनेस इज मेजर बाय क्वालिटी। वापस आते सफिशिएंसी इज मेजर बाय क्वांटिटी, एप्रोप्रिएटनेस इज मेजर बाय क्वालिटी। When I'm discussing about quantity and quality, okay, before going ahead with an example, okay, please understand, quality is further divided into two things. One is relevant and one is reliable. Yani, mere ko bataiye, okay, the audit evidence kaise hone chahiye? Mera pehla question. Mera pehla sawal bataiye. Pehla sawal kya hai? Audit evidence kaise hone chahiye? To tumhara answer kya hoga? Wo sufficient hone chahiye. Wo appropriate hone chahiye. Ye pehla sawal set hua. फिर मैं बोलूंगा एप्रोप्रिएटनेस मतलब क्या, पहले पूछूंगा सफिशिएंसी मतलब क्या, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? क्वांटिटी। फिर मैं बोलूंगा एप्रोप्रिएटनेस मतलब क्या? क्वालिटी। फिर मैं पूछूंगा एप्रोप्रिएटनेस कैसे देखा जाएगा, तो वापस दो आगे बोलेगा। एप्रोप्रिएटनेस के देखने के दो तरीके, पहला क्या देखो? रिलेवेंट, एंड और एक क्या देखो? रिलायबल। ओके
टू बी वेरी प्रिसाइज, आज जो मैंने यस में बताया सेम सिनेरियो, ओके अपन दो चीज इधर यूज करेंगे, पहला होगा कॉन्सेप्ट जो होगा ओफू, ओफू का फुल फॉर्म होगा ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग. When I say OFU, only for understanding, only for understanding, ये examples ही है. मालिक क्या है ये? Examples. ये क्या है मालिक? Examples. वापस बोलो, ये क्या है? Examples. But खाली फर्क इतना है कि ये examples किधर लिखने नहीं है? Exam में. ये अपन अपने notes में लिखेंगे, क्योंकि OFU के बिना मैं आपको बता रहा हूँ, maximum audit अपने को OFU से याद रहेगा. Only for understanding के बिना, example के बिना तेरे को, अभी मेरे को तो sufficient है, appropriate है, समझ में क्या क्या आया तेरे को? Quantity, quality, क्या है? ओके okay, और इसका कोई एग्जांपल मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है कि ये एग्जांपल अपन यूज कर सकते हैं आंसर लिखते वक्त, तो अपने को इसके ओफू समझने पड़ेंगे. तो अपन बहुत जगह ओफू लिखेंगे, लेकिन आपने क्या सचेत रखना है, ध्यान क्या रखना है आत्मा हो. ओके okay, अपने को खाली ओफू मतलब इन शॉर्ट, देखो कोई स्टूडेंट मुझे आके ये भी बात करता है, सर व्हाट इफ मैं एग्जाम में आंसर भूल गया और ओफू याद है. ये भी आता है मेरे पास कभी कभी. ओके okay, मैं उसको रिजिडली मना करता हूं. मैं बोला ऐसी पोजीशन लाने ही मत दे, और इसका एक ही सिनेरियो रहेगा, रिवीजन लेक्चर फॉर्मेट. आंसर रटने ही पड़ते और रिविजन लेक्चर से ही रटे जाते हैं. ओके okay, और वो स्टार्टिंग में नहीं होता, वो एंड में होता है. बैच एंड होने के बाद फिर रिविजन लेक्चर के फॉर्मेट स्ट्रक्चर उसको कंटिन्यूसली उसको रिपीटेड वो बोलते ना वो हैमर करना पड़ता है. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वो हो गया, उसके बाद रटना तो अपने को रखना ही पड़ेगा. अच्छा रटने के तरीके में सिर्फ हैमरिंग इज रिक्वायर्ड. तो भाई ये पॉइंट है, तो ओफू एट एनी कॉस्ट आपको खाली समझने के लिए यूज करना है, लेकिन लिखने के लिए नहीं करना है. सर किस्मत रही तो तुझे मार्क्स मिल सकते हैं, अदरवाइज नहीं मिलेंगे मार्क्स ओफू के. किस्मत रही मतलब समझ आ रहा है, और किस्मत रही तो फिर ब्लैंक भी छोड़ा पेपर तो मार्क्स मिलेंगे. अगर तेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि ओफू लिख के तेरे को मार्क्स मिल रहे हैं, तो किस्मत तो और भी अच्छी होगी कि तू पेपर ब्लैंक भी छोड़े और मार्क्स मिले. फिर तो बहुत सही है ना किस्मत, फिर तेरे जैसी तो किस्मत मतलब राजा वाली किस्मत है भाई तेरी है. ओके ऐसा नहीं होता, और किस्मत होती तो तू इधर नहीं होता. ओके समझ में आया, तो सीए कोर्स में नहीं होता, किस्मत होती तो तू कोई दूसरे इसमें होता, चिल करता होता. ओके कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एमबीए करता होता, अदर उधर बाबू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मालूम है ना, हार्वर्ड किधर कौन सी यूनिवर्सिटी दूसरी उधर एमबीए तू करते होता, अदर बाबू बोलता भाई बेटा एकदम अच्छे से पढ़, उधर से और उधर बिजनेस कर, लंडन में न्यूयॉर्क में उधर बिजनेस कर, उधर के लोगों वॉलमार्ट है ना वो मिलके उस बंदे से, और बंदे से मिलके फिर इधर आ. ओके ऐसा पर किस्मत है क्या अपनी, इधर अपने को बाजू का ठेला वाला जानता नहीं सर, उसके बाद जानते हुए क्या भैया क्या चाहिए. अभी इतनी गर्दी में अपन प्रेस्टीज पॉइंट की भीड़ में जाएंगे तो वो पहले अपने को प्रायोरिटी दे सकता है क्या? नहीं, तो फिर किस्मत ही नहीं है. अपनी किस्मत कब तोड़ोगी? जिस दिन 10 लाइन में खड़े रहे और वो बोलेगा तुम आओ पहले तुमको देता. ओके तो लॉजिकली जब अपन ये बात करेंगे ओफू की, ओफू एग्जाम में लिखना नहीं, और मैं बार बार बोल रहा हूं इसका मतलब इसके ऊपर रिस्पांस मेरे को कितना मिला होगा आप सोच नहीं सकते हो. तो मेक इट श्योर यू विल नॉट राइट ओफू इन एग्जामिनेशन. तो अब ओफू को लॉजिक लगाओ, लेट अंडरस्टैंड. ओके लेट अंडरस्टैंड, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, फिक्स असेट. मेरे ख्याल से फिक्स असेट पीपी सबको मालूम है. ओके फिक्स असेट है. अब अपनी कंपनी जिस कंपनी का अपन ऑडिट कर रहे हैं उसके पास एग्जांपल बोल रहा हूं 10 फिक्स एसेट है, 10 फिक्स एसेट एग्जांपल लेते हैं, 10 लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है 10 जगह. ओके 10 जगह सर किधर किधर? मुंबई में, पुणे में, हैदराबाद में, ओके इंदौर में, बैंगलोर में, दिल्ली में, ऐसे 10 अलग अलग जगह फिक्स एसेट है, और सबकी वैल्यूएशन करके ओके 50 करोड़ है. सबकी वैल्यूएशन करके कितना करोड़ है? 50 करोड़. समझ में ये आया? ओके अब मेरे को बताओ, मेरा क्वेश्चन है, ओके तुम एग्जांपल बोल रहा हो, सबसे पहला तरीका तुम तो पूरा 100% चेक कर सकते हो. क्या बोला था? 100% मतलब कितने के कितने फिक्स एसेट चेक करोगे? 10 के 10. या तुम्हारे पास दूसरा तरीका क्या है? रैंडम छोड़ दो, तरीका छोड़ दो, सैंपल. जब मैं बोल रहा हूं सैंपल करना मतलब ग्रुप छोड़ दो, सैंपल करना मतलब क्या? 100% नहीं, दो ही तरह से आप टेस्ट करोगे, दो ही तरह से टेस्ट करोगे, या तो 100% नहीं तो सैंपल. ओके 100% हुआ मतलब पूरा, और सैंपल किया मतलब 100 से कम. अब वो 100 से कितना कम है? अभी एग्जांपल 10 के 10 चेक किया तो 100%, 9 चेक किया तो नहीं मतलब सैंपल, 1 चेक किया तो सैंपल, 3 चेक किया तो 5 चेक किया तो, यानी 100 से जैसे ही नीचे गए सैंपल बोलते हो, और 100 किया तो 100, यानी दो ही तरह से आप टेस्टिंग करते हो. कौन सी दो तरह से टेस्टिंग करते हो? या तो 100% एग्जामिनेशन या सैंपल. यानी एग्जामिनेशन कैसे करोगे? दो तरह से. कौन से दो तरह से?
या तो 100% या तो सैम्पलिंग. ओके, अब गिव मी योर लॉजिक, थॉट लगाओ. ओके, व्हेन आई से सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस, सफिशिएंसी इज फोकसिंग ऑन क्वांटिटी एंड एप्रोप्रिएटनेस इज फोकसिंग ऑन क्वालिटी. अंडरस्टैंड, सफिशिएंसी क्वांटिटी मतलब इसमें मैं कितना चेक करूंगा, कितना, दैट इज कॉल्ड सफिशिएंसी. यानी अभी एग्जांपल मेरे को बताओ. ओके, आप 10 में से कितना चेक करोगे? 10 के 10 सफिशिएंसी. सर 10 में से कितना चेक करोगे? 3 सफिशिएंसी, 2 सफिशिएंसी, 5 सफिशिएंसी. 10 में से एक नंबर उठाओ, 10 में से एक नंबर उठाओ, दैट इज कॉल्ड सफिशिएंसी. कितना कॉल्ड सफिशिएंसी. सफिशिएंसी मैं बोल रहा हूं, अपन स्टार्ट कहां से किए मेरे को वापस बताओ. मैं चालू इधर से किया, सबके आत्मा मेरे साथ ही है. अपन ऑडिट ऑब्जेक्टिव पे थे. मैंने आपको बताया मेरा मकसद क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसके ऊपर कॉन्फिडेंस लेना है. अब इसके ऊपर कॉन्फिडेंस लेने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? ऑडिट एविडेंस. और ऑडिट एविडेंस कैसे होने चाहिए? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट. वापस बोलो, समझ में आ रहा है मेरे साथ स्टेटमेंट? सब लोग है? अरे हाय ना, मुझे वापस बताओ. ऑडिट ऑब्जेक्टिव, ऑडिट ऑब्जेक्टिव टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ओके, ड्यू टू फ्रॉड और एरर एंड रिपोर्ट. एवरीबडी क्लियर? तो मेरा क्वेश्चन है, ओके, तो रीजनेबल एश्योरेंस कैसे मिलेगा? रीजनेबल एश्योरेंस कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा? ऑडिट एविडेंस है, लेकिन ऑडिट एविडेंस कैसे होने चाहिए? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट. सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब नंबर. नंबर कैन बी टू थिंग्स, दो चीज हो सकती है. कौन से दो चीज? 100% नहीं तो सैंपल. सैंपल क्या होगा, 100% क्या होगा, इसका डिस्कशन वो छोड़ दो, लेकिन लॉजिक बिठाते जाओ. या तो मैं 10 चेक करूंगा या 10 से कम चेक करूंगा. अब 10 से कितना भी कम किया तो भी सैंपल ही बोला जाता है. अगर मैंने एक भी चेक किया तो, 3 किया तो, 9 किया तो सैंपल है. बस इतना ही कि सैंपल साइज बड़ी या छोटी हो रही है, सैंपल साइज बड़ी या छोटी हो रही है, बाकी है तो सैंपल ही ना. ओके, एंड अब आते हैं क्वालिटी, एप्रोप्रिएटनेस. कोई मुझे मदद करेगा एप्रोप्रिएटनेस के लिए? एप्रोप्रिएटनेस के लिए क्वालिटी में दो चीजें, एक है रिलेवेंट और एक है रिलायबल. कोई मुझे मदद करेगा? कोई थोड़ा सोच के कुछ भी आपके हिसाब से क्या थॉट आ रहा है? मैंने आपको यह बता दिया, 10 में से एग्जाम्पल बोल रहा हूं, 10 में से मैं 3 चेक कर रहा हूं. मुंबई की प्रॉपर्टी चेक करूंगा, पुणे की प्रॉपर्टी चेक करूंगा और हैदराबाद की प्रॉपर्टी चेक करूंगा. 3 प्रॉपर्टी चेक करूंगा मैं, ठीक है, बाकी मैं नहीं करने वाला, 7 नहीं करने वाला. ओके, वो क्यों नहीं, क्या वो बाद में कहता है, पर सफिशिएंसी में मैंने कितने किए? 3. अब मेरा क्वेश्चन है एप्रोप्रिएटनेस में क्या देख, क्या मतलब, क्या सफिशिएंसी मतलब कितना, एप्रोप्रिएटनेस जो कुछ भी आपको लगे, जो आपको लगे गलत हो, क्या है, क्या फर्क है? नहीं. रिलेवेंस तो मैं तो किस कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं मेरे को नहीं आइडिया आएगा, पर मैं आपको बता दूं. देखो, 3 प्रॉपर्टी चेक कर रहा हूं मैं, तो 3 प्रॉपर्टी एग्जांपल 50 करोड़ में से 3 प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन 30 करोड़ है, यानी कितना चेक कर रहा हूं? 30 करोड़, बस दैट्स इट. अब ये अमाउंट का डिस्कशन नहीं है, अमाउंट और प्रॉपर्टी के नंबर इज सफिशिएंसी ओनली. कंपनी ने बोला है उसके लिए क्या चेक करेंगे? फिजिकली जाके करना, ठीक है, एक फिजिकली बोला, फिजिकली जाके क्या करेगा तू? सच में है कि नहीं है, मालूम पड़ा प्रॉपर्टी है ही नहीं और पेपर में लिखा प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक फिजिकल वेरिफिकेशन करना, ठीक है. और कल जैसे मैंने आपको सैलरी के लिए बताया था, सैलरी के लिए कितनी चीजें याद है? 5, भूलो ही मत भाई 5. मैंने बोला वो अपन एग्जांपल बेंचमार्क रखते हैं, पहला सैलरी स्लिप, दूसरा बैंक स्टेटमेंट, तीसरा एचआर की पॉलिसीज, ओके, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट और उसके साथ अटेंडेंस. याद आया मालिक? 5, ये पांच मैं बस आपको हिंट दे सकता हूं, ये 5 इज नथिंग बट एप्रोप्रिएटनेस. ओके, बट मेरे को इसका एग्जांपल दो. अब आप समझ चुके हो, मैंने एग्जांपल के साथ मैंने लिंक किया. प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, मैं प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट देखूंगा एप्रोप्रिएटनेस. ओके, मेरे को बताओ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट देखना मतलब एग्रीमेंट देखना. ओके, क्या प्रॉपर्टी की म्युनिसिपल टैक्स भी पेमेंट की जाती है? वो चेक करना एप्रोप्रिएटनेस. लाइट बिल प्रॉपर्टी के नाम अपने नाम पे आना चाहिए, ओके, चेक करना एप्रोप्रिएटनेस. उसके अलावा और कुछ जो अकाउंट्स के रिलेटेड हो, थोड़ा अकाउंट्स में कैसे मालूम पड़ता है कि मेरी ये प्रॉपर्टी है? डेप्रिसिएशन चेक करना एप्रोप्रिएटनेस. और कैसे मालूम पड़ेगा कि प्रॉपर्टी है? एक कुछ ऐसे मेंटेन करते अपन, रजिस्टर. कौन सा रजिस्टर होता है? फिक्स एसेट रजिस्टर, FAR, फिक्स एसेट रजिस्टर. ओके, वो रजिस्टर जाके चेक करो
ओके, रजिस्टर जाके चेक करो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एप्रोप्रिएटनेस। यानी कितना चेक करना इज सफिशिएंसी, क्या चेक करना एप्रोप्रिएटनेस, कितना चेक करना सफिशिएंसी, क्या चेक करना एप्रोप्रिएट। अरे आत्मा समझ में आ रहा क्या, कितना चेक करना और क्या चेक करना, ये दोनों में डिफरेंस, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस। अब मेरा क्वेश्चन है क्या चेक करना, वो डिस्कस कर रहा हूं मैं, क्या चेक करना, कैसे होना चाहिए, दो चीज, एक हुई है रिलेवेंट और एक हुई है रिलायबल। एग्जाम्पल ओके, मेरे को बताओ मैं चेक क्या कर रहा हूं अभी, क्या चेक कर रहे हैं अपन, कौन सा आइटम, नहीं फिक्स एसेट्स, क्या चेक कर रहे हैं, फिक्स एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी जो आप बोल रहे हो, इज दैट पॉइंट क्लियर। मैं बोल रहा हूं डेटर्स की लिस्ट दो, मेरे को डेटर्स की लिस्ट चाहिए, ओके इज दिस अप्रोप्रिएट, क्योंकि इट इज नॉट रिलेवेंट, यानी रिलेवेंट प्रॉपर्टी के साथ में होनी चाहिए, यानी जो भी एरिया चेक कर रहे हो, जो भी एरिया चेक कर रहे हो उसके रिलेवेंस। अब अदर वे देखते हैं, मेरे को बताओ मैं सेल्स चेक कर रहा हूं, क्या चेक कर रहा हूं सेल्स, क्या मैं डेटा चेक कर सकता हूं रिलेवेंस, नहीं समझा, समझा, समझ में आ रहा है। अगर मैं कोई चीज, कोई एक आइटम आप बोलो मैं आपको बता दूं उसका फिर रिलेवेंस कैसे निकालने का। अगर मैं बोल रहा हूं परचेस, परचेस चेक कर रहा हूं, तो मैं परचेस इनवॉइस चेक करूंगा, यस परचेस इनवॉइस इज रिलेवेंस। क्या मैं क्रेडिटर भी चेक करूंगा, यस। क्या मैं परचेस रिटर्न भी चेक कर सकता हूं, रिलेवेंस है। ओके डिस्काउंट्स रिलेवेंस रहेगा उसके साथ में। अगर आपको मालूम है डेबिट नोट क्रेडिट नोट होते हैं, यानी परचेज रिटर्न आता है तो मेरे पास डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, जो क्रेडिट नोट रहेगा परचेज रिटर्न हुआ, वो क्रेडिट नोट भी चेक कर सकता हूं परचेज रिटर्न के लिए। ओके रिलेवेंस, रिलेवेंस, रिलेवेंट चीजें चेक करो, लेकिन मेरे को परचेज चेक करना है, और परचेज के लिए मैं ओके वेजेस सैलरी चेक कर रहा हूं, नहीं होगा, तो रिलेवेंस होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए। और रिलेवेंस के साथ में दूसरा शब्द क्या बेटा, ये शब्द का मतलब रिलायबल, रिलायबल, ये शब्द आपकी जिंदगी में नहीं क्या, जिंदगी में रिलायबिलिटी होनी चाहिए, मतलब वी कैन बी डिपेंडेंट, भरोसा, ट्रस्ट, ठीक है गुड, मतलब शब्द आ रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है आप मेरी प्रॉपर्टी चेक करना है। आपने बोला अमित ताते कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या, चलो रिलेवेंट, अच्छा मेरे को बताओ कितनी प्रॉपर्टी चेक करनी है आपको, तीन है, तीन में क्या क्या चेक करोगे, पहला नाम बताओ, एग्जाम्पल दो, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, एवरीबडी एग्री प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट चेक करोगे, दूसरा ओके टैक्स, टैक्स रिसीट, तीसरा और एक लाइट बिल, लाइट बिल चेक करोगे, ठीक है, और डेप्रिसिएशन, ठीक है डेप्रिसिएशन चेक करोगे, उसके अलावा और एक बोला मैंने फिक्स एसेट रजिस्टर, ओके ये पांच, अभी ये पांच लिखे, ये पांच है ना, पांच हुए ना, ये पांच क्या हुए एप्रोप्रिएट, तीन क्या हुए थे सफिशिएंसी, तीन पॉपुलेशन में से कुछ सिलेक्ट करना दैट इज कॉल्ड सफिशिएंसी, और हर आइटम के लिए जितनी चीजें चेक करनी एप्रोप्रिएटनेस। वापस बोल रहा हूं, टोटल में से कितना लेने का सफिशिएंसी, टोटल पूरा भी ले सकता हूं, अगर मैंने 10 लिया तो भी सफिशिएंसी, 3 लिया तो भी सफिशिएंसी, मतलब क्या क्वांटिटी, क्या ऑडिटर तू कितना चेक करने वाला है, अरे भारत माता की जय, जिब्रा मलिक। दूसरा सिनेरियो एप्रोप्रिएटनेस, मतलब ऑडिटर तू क्या चेक करने वाला है, तो मेरे को बता तू क्या चेक करने वाला है, पांच चीजें, पांच चीजें कौन सी समझ में आई, ये पांच चीजें क्या हुई, पांच आ रहा है, बट दिस इज नॉट क्वांटिटी, दिस इज क्वालिटी, ओके यानी एक एक इसमें पांच चेक करने वाले हैं, नहीं समझा, समझा, कितने इसमें पांच चेक करने वाले, एक एक हर एक के इसमें पांच, ओ भारत माता की जय, झेपा क्या, हर एक के इसमें पांच, हर एक के इसमें पांच, भारत माता की जय, झेपा ना एवरीबडी। अब ये जो पांच चीजें है, ये पांच रिलेवेंट होनी चाहिए और रिलायबल होनी चाहिए, समझ में आया, ये पांच, ये पांच, ये पांच, ये पांच रिलेवेंट करो, तो मैंने समझा दिया रिलेवेंट है कि नहीं है। अगर मैं इसमें डेटर की लिस्ट डाल दूं तो छठा, मैं बोलूंगा डेटर की लिस्ट, ओके तो ये डेटर की लिस्ट, दिस इज एप्रोप्रिएट में नॉन रिलेवेंट, आई डोंट, समझ में आया, नॉन नॉन रिलेवेंट क्यों समझ में आया ना एवरीबडी। लेकिन क्या मैं ये मांग सकता हूं, सुन सुनो मेरी बात, प्रॉपर्टी के लिए तुमने जब पेमेंट किया था, ये सारी प्रॉपर्टी इस साल में परचेज है, तुमने जब पेमेंट किया है उसकी बैंक रिसीट चाहिए, रिलेवेंट या नॉन रिलेवेंट, ऑडिटर ने ये सब पता करना है, रिलेवेंट क्या है मेरे लिए, रिलेवेंट, इज दैट पॉइंट क्लियर। अब कहानी आती है अगला वर्ड रिलायबल, अब बात करते हैं रिलायबल के, ओके मेरे को बताओ पहला क्या मांग रहे हो आप मुझसे, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, ओके ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, ओके ओरिजिनल मेरे पास थे, मैंने फोटो कॉपी निकाली और फोटो कॉपी मैंने आपको दी, ओके आप फोटो कॉपी पे काम कर लेते हो, मेरा क्वेश्चन है ओके रिलायबल या नॉन रिलायबल, समझ में आ रहा है, यानी विल यू रिलाय ऑन ओरिजिनल और फोटोकॉपी, यानी अगर फोटोकॉपी है तो रिलायबल नहीं है, ओके ओरल या रिटन,
रिटर्न ओरली नहीं चलता। ओके समझ में आया? अरे हाँ या ना? कंपनी वाला तुम्हें कोई बता रहा है या थर्ड पार्टी तुम्हें कोई बता रहा है, किस पे कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, कंपनी वाला या थर्ड पार्टी? कंपनी वाला, कंपनी या थर्ड पार्टी? एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल देता हूं। ओके कंपनी, मैं कंपनी हूं तुम्हारा, ये समझो मैं क्लाइंट, हमेशा थर्ड क्लाइंट अपना, तुम्हारा थर्ड क्लाइंट है। थर्ड क्लाइंट क्या बोलता है, मेरे डेटर है 10 करोड़ के। ओके 10 करोड़ के डेटर है, अब तुम्हें कॉन्फिडेंस लेना डेटर के ऊपर। एक तो मेरे से लिस्ट मांग लोगे, मैं क्या बोल रहा हूं, सफिशिएंसी डेटर एक ही है, अब सपोज एक ही डेटर है, सफिशिएंसी एक ही, अप्रोप्रियनेस देखो, तुम डेटर की लिस्ट ले लोगे, डेटर के इनवॉइसेस ले लोगे, सेल्स वगैरह ना इनवॉइस होगा ना, इनवॉइसेस लेगा सबको लोगे। लेकिन और एक तरीका हो सकता है, डेटर से कंफर्मेशन करो। ओके मैं बोल रहा हूं मेरा डेटर विनोद रेड्डी है 10 करोड़ का, अब मेरे को बताओ तुम क्या करोगे, विनोद रेड्डी से कंफर्म करोगे, कंफर्म कैसे करोगे, कॉल, कॉल पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसने हाँ बोला चल जाएगा तेरे को, रिलायबल नहीं है, रिलायबल नहीं है, रिलायबल नहीं है। ओके समझ में आया, रिलायबल नहीं होगा। फिर क्या करोगे आप विनोद रेड्डी से, ईमेल, विनोद रेड्डी का ईमेल लोगे, ईमेल करोगे और बोलोगे ओ विनोद रेड्डी प्लीज कंफर्म 10 करोड़ बाकी है क्या आपके अमिता तेरे को, फिर विनोद रेड्डी कंफर्म करेगा यस यस बाकी है, एंड देन इट्स ओके। अब मेरे को बताओ वही वो कंफर्म ना करके अमित आदर से आप पूछ रहे हो, अमित आदर 10 करोड़ विनोद रेड्डी के बाकी है, मैं बोला हाँ बाकी है ना विनोद रेड्डी के 10 करोड़, मेरे को बताओ कौन सा रिलायबल ज्यादा होगा, कंपनी से लिया हुआ या थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी रिलायबल। समझ में आ रहा है? ओके यानी मेरे को बताओ ऑडिट एविडेंस कैसे होने चाहिए, वापस मैं स्टेटमेंट पर आ रहा हूं, ऑडिट एविडेंस कैसे होने चाहिए, दो शब्द होने चाहिए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। और एप्रोप्रिएटनेस मतलब क्या, क्वालिटी, 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 पर क्वालिटी में क्या, दो चीज, रिलेवेंट एंड रिलायबल, रिलेवेंट रिलायबल। समझ में आया? यानी मेरे को बताओ ये 5 चीजें क्या है, ये 5 चीजें स्क्रीन पे देखो, 5 चीजें मांग रहा हूं, वो क्या है, रिलेवेंट मत बोलो, एप्रोप्रिएटनेस। ओके मेरे को 10 लैंड है, 10 फिक्स्ड एसेट है, 10 फिक्स्ड एसेट है, 10 में से 3 ले रहा हूं, एप्रोप्रिएटनेस है क्या, सफिशिएंसी, और हर एक के लिए 5 चीजें मुझे चाहिए, एप्रोप्रिएटनेस। डेटर्स के 100 जन की लिस्ट है, 100 में से 50 डेटर को चेक करेंगे, सफिशिएंसी। ओके और हर डेटर के लिए मुझे 3-3 चीजें चाहिए, एप्रोप्रिएटनेस। सैलरी मेरे पास 50 एम्प्लॉय है, तुम 20 एम्प्लॉय को चेक करोगे, सफिशिएंसी, और हर एम्प्लॉय की 5 चीजें चाहिए, कल जो दिखा, एप्रोप्रिएटनेस। समझ में आया? यानी कल जो मैंने लिस्ट बनाई थी, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मतलब तुम क्या कर रहे हो, एप्रोप्रिएट। अब जो चीज चाहिए, जो चीज चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, रिलायबल मत जाइए, पहले रिलेवेंट, रिलायबल लोगे पर रिलेवेंट नहीं है तो मात काम नहीं हुआ, तो पहले क्या होना चाहिए, रिलेवेंट, फिर रिलेवेंट के बाद रिलायबल। ओ भारत माता की जय, झिपा गया, तो इट शुड बी रिलेवेंट एज वेल एज, रिलेवेंट एज वेल एज रिलायबल, भारत माता की जय, झिप रहा एवरीबडी। तो मेरे को बताओ सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस मतलब क्या, वर्ड क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वालिटी इज मेजर्ड बाय रिलेवेंस एंड रिलायबल। ओके ये पॉइंट, ये प्रिंसिपल बैठा आपके दिमाग में। ओके अब मेरे को बताओ 10 फिक्स्ड एसेट है, 10, अपन ये एग्जांपल को लेते हैं अभी, 10 फिक्स्ड एसेट है, 10 में से 3 चेक करूं या 10 चेक करूं, सफिशिएंसी क्या है, सफिशिएंसी क्या है, 3 है या 10 है, दोनों है, अरे दोनों है, दोनों है, फिर कैसे डिसाइड करेंगे 10 करें या 3 करें, स्टैंडर्ड कुछ नहीं रहेगा, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड खाली है ना, देखो मैं वापस बता रहा हूं, स्टैंडर्ड कोई कंक्लूड नहीं करता, बट स्टैंडर्ड अपन तेरा और मेरा आंसर 19-20 करता है, मैंने कल समझाया क्लियरली, स्टैंडर्ड अपने को कंक्लूड नहीं करता, देखो कंक्लूड नहीं करेगा, लेकिन क्या करेगा वो अपना आंसर 19-20, ऐसा नहीं होगा तेरा आंसर 10 होगा और मेरा 90 होगा, ये मैंने आपको समझाया है। तो अपना आंसर ज्यादातर तू कुछ बोलेगा और मैं कुछ बोलूंगा ना, इट विल बी 19-20, लेकिन कुछ लॉजिक से आपको क्या लगता है, ओके क्या सफिशिएंसी, मेरे को बताओ 9-3 लिया तो भी सफिशिएंसी हो सकती है, 9 लिया तो भी सफिशिएंसी हो सकती है, 10 के 10 लिया तो भी सफिशिएंसी हो सकती है, तो कैसे डिसाइड करेंगे सफिशिएंसी, इट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट, प्योरली अ मैटर ऑफ जजमेंट। यानी कल का एक कौन सा एक चीज मैटर ऑफ जजमेंट था, कल एक वर्ड जो मैटर ऑफ जजमेंट मैंने बोला था, तेरा और मेरा जजमेंट अलग आएगा, एक शब्द कल वाले इसमें जब मैंने 500 रुपए की नोट दी, मटेरियलिटी, तो अगर याद होगा मटेरियलिटी तू डिसाइड कर रहा और मैं डिसाइड करूंगा, दोनों का आंसर सेम आएगा, अलग अलग आएगा, अलग अलग डेफिनेटली, पर आंसर अपना 19 और 20 ही रहेगा, क्योंकि अपने को स्टैंडर्ड दिया गया है, बट लेकिन जजमेंट ही है ना, तो जो ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसका आंसर बहुत अच्छा आएगा, जो नया नया होगा उसका आंसर, ओके यानी 19 उसका होगा, जो एक्सपीरियंस बनेगा उसका 20 आएगा, क्योंकि तू जैसे जैसे ओवर पीरियड काम करेगा तेरे को समझ में आएगा, शायद 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 तू जब पहली बार काम करेगा तू शायद 10 के 10 चेक कर लेगा, ओके उस कंपनी में तेरे को उस दिन उस साल में कॉन्फिडेंस आएगा, डोंट यू थिंक तेरा जजमेंट अगले साल चेंज हो सकता है,
मैं नहीं बोल रहा हूं, देखो ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि 10 के 10 में सही आया तो अगले साल मैं खाली 3 ही चेक करूंगा या 5 चेक करूंगा, 10 के 10 भी चेक कर सकता हूं, लेकिन तेरे कॉन्फिडेंस के ऊपर है, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस आया पिछली बार का, और पिछली बार मेरे को बहुत सही मिला तो शायद इस बार सही मिलेगा, ये लगाना भी लॉजिक नहीं है, पर तेरा जजमेंट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जजमेंट सही रहेगा। अभी क्वेश्चन जो अपन ने बोला था, ओके बंटर ने बोला सर परवड़ेगा नहीं सर 5,000 करोड़ के ट्रांजेक्शन, 5,000 करोड़ ट्रांजेक्शन चेक करना कॉस्ट वाइज वर्थ नहीं है, बट दिस इज नॉट द रीजन वेयर आवर आईसीआई विल बी टेकिंग दैट योर रिपोर्ट वॉज रॉन्ग, क्योंकि ऐसा हो सकता है तुमने 2000 ट्रांजेक्शन चेक किए, 2000 में एरर नहीं आया और तुमने क्या बोला रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, यही बोला ना फिर। अब मेरे को बता बाकी तो दूसरे जो चेक नहीं किए उसमें ही फ्रॉड था, समझ में आया सत्य में? अरे कोई भी कंपनी डूब कैसे रही है फिर, मतलब अरे ऑडिट रिपोर्ट तो सही आई है उसकी, उसके बाद भी कंपनी डूबी क्योंकि जो चीज छूट गई उसमें ही फ्रॉड था। अरे समझ में आ रहा है मालिक? तो मेरे को बताओ ओके अगर तुम ये रीजन दे के आईसीआई के पास नहीं जा सकते, कल ये ऐसा हुआ कंपनी का फ्रॉड हुआ तुम्हें बुलाएंगे ए सीए कम यार यू डोंकी मंकी कम यार, फिर अपन जाएंगे यस सर डिसिप्लिनरी कमेटी है अपन कुछ कर नहीं सकते यस सर यू डोंट नो ओके देयर वर 100 ट्रांजेक्शन यू डिडंट चेक दिस 100 ट्रांजेक्शन सर दिस 100 ट्रांजेक्शन वेर इज इन आसाम and to go to Assam and come back, the flight ticket was 25,000 and the client paid only 15,000, sir. So it was not cost benefit. So we skipped this transaction, sir. You monkey donkey, don't look at me for next 3 months. Get out, pay 5 lakhs. After 3 months, start practice again. Khatam. 3 mahine ke liye banned, 5 lakh pay, kahani khatam. Aur 3 mahine ke baad banned hai na, wapas tere ko kaam nahi milne wala immediately. तेरे को ऐसा लग रहा होगा ना सर आपने तो तोड़ पहचान है, तोड़ पहचान के बाद तेरे को मालूम पड़ेगा क्या पहचान है, क्योंकि जिस कंपनी में जिस फर्म में तू पार्टनर होगा ना उसमें से ऐसे ही निकाल दिया जाएगा, क्योंकि तेरी वजह से अभी वो फर्म क्या आज के डेट में सोशल मीडिया से तो बहुत ज्यादा है ही ओके, अगर एक जगह कुछ हो गया तो किधर वायरल हो जाता सोशल मीडिया, अरे ये कंपनी ये वो फर्म फलाना ढिमका खत्म कहानी है। तो अब क्वेश्चन आता है सफिशिएंटली अप्रोप्रिएटनेस, पर ये भी तो लॉजिक, ये भी लॉजिक है कि नहीं मेरे को बताओ, 100% ट्रैक करना सही है या गलत सही, मतलब तुमको लगता है मैं बोल रहा हूं कॉस्ट नहीं बोल रहा हूं फीजेबल बात कर रहा हूं, फीजेबल है क्या, वायबिलिटी नहीं है उसकी, वायबिलिटी नहीं है, हो सकता है मैं वो 5,000 करोड़ ट्रांजेक्शन के सामने चेक करने के लिए मैं फीस बढ़ा दूंगा जी, लेकिन उतना क्लाइंट को भी परवड़ेगा नहीं ना, क्लाइंट बोलेगा अरे भाई इतना खर्चा क्यों करूं। अब क्वेश्चन है क्लाइंट क्यों इतना खर्चा करने को रेडी नहीं होगा फिर 5,000 करोड़ टेस्ट करने के लिए, लॉजिक ये होता है कि क्लाइंट बोल रहा है मैं ऑलरेडी ओके फ्रॉड ना हो इसलिए मैंने कंट्रोल डाले, फ्रॉड नहीं होने चाहिए तो क्लाइंट ने क्या किया होगा कंट्रोल डालेंगे, कंट्रोल मतलब क्या एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल लिखा था एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल सैलरी बन रही होगी तो मेरे को बताओ कोई भी एक बंदा सैलरी कैलकुलेट करके ठूकता होगा पेमेंट करता होगा या उसका कोई मेकर चेकर होगा, मेकर चेकर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ या ना, आवाज नहीं आ रही मेरे को, होना चाहिए तो कंट्रोल होना चाहिए तो कंट्रोल मेरे को बताओ, मेकर चेकर यानी एक ही काम जो ऑलरेडी कर रहा है उसको कोई एक चेक कर रहा है तो एक जन की सैलरी खर्चा एक्स्ट्रा है ना, तो ऑलरेडी मैं खर्चा कर रहा हूं तेरे को वापस क्यों वही चीज का क्या, फीजेबल। तो इस केस में हम लोग आगे बढ़ते कैसे, इसीलिए देर आर ऑलवेज टू मेथोडोलॉजी फॉर ऑडिट, वन इज 100% ऑडिट जो मैं आपने डिस्कस किया, 100% ऑडिट मतलब पूरा, लेकिन मैंने आपको क्या बताया वो फीजेबल नहीं है, तो फिर देयर इज ऑलवेज द सेकंड केस दैट इज कॉल्ड रिस्क बेस्ड ऑडिट, रिस्क बेस्ड ऑडिट नाम से क्या लग रहा है, जिसमें ज्यादा रिस्क है उसको चेक करने का, जिसमें रिस्क नहीं है याद रखना बहुत प्रिंसिपल याद रखना चेक सभी चेक करने हैं लेकिन जिसमें रिस्क ज्यादा होगा उसमें शायद मैं 100% चेक करूंगा, जिसमें रिस्क कम होगा वो शायद मैं एक चेक करके छोड़ सकता हूं, पर फिर ये रिस्क कैसे पता लगे ये तो ओवर ए पीरियड ऑफ मालूम पड़ेगा अपने को समझ में आएगा ओके। थोड़ा सा थॉट प्रोसेस दिए, थोड़ी सी ज्ञान ज्ञान की बातें करते हैं, मतलब भाई इतने भेद अपने को चाहिए, अभी इधर तक समझ में आया ना मालिक, मेरे को बता तू गया कैडबरी की फैक्ट्री में, अब इमेजिन करो कैडबरी की फैक्ट्री में जाने के बाद तो उधर एक एम्प्लॉई है जो कैडबरी की फैक्ट्री में काम करता है, घर पे बीवी बच्चे बच्चा छोटा बच्चा, उसको मालूम है उसके पापा कैडबरी की फैक्ट्री में काम करते हैं, मेरे को बता बच्चा क्या जिद करेगा, पापा कैडबरी, और पापा के लिए दिक्कत यह है कि कैडबरी की फैक्ट्री पे कंट्रोल्स है यार, कैडबरी की फैक्ट्री में बोलते हैं तुमको चाहिए कैडबरी तुमको डिस्काउंट मिलेगी लेकिन पैसे देने पड़ेंगे,
अब उसके पापा सोच रहे यार पैसे तो वैसे ही बहुत कम कमा रहा हूं मैं, कैडबरी की फैक्ट्री वाला फैक्ट्री लेवल, तुमको मालूम होगा ब्लू कॉलर एम्प्लॉय बेचारा क्या है, डेली वेज कॉस्टिंग पड़ा तुमने, दो दिन पहले ही खत्म हुआ खाने, तुमको मालूम पड़ा दो दो रुपए का हिसाब हो रहा साला। कभी कभी तो अपने को ऐसा लगता है भाई तू एक काम कर छुट्टा तू ले ऐसा है, कभी कभी तो आंसर को मेरे को ऐसा ना, तू ले भाई 500 रुपया तू रख प्लीज, इतने पे मगजमारी मत कर, ऐसा भी कभी फीलिंग आता है अपने को। नहीं कॉस्टिंग में तो मेरे को आता था, तुमको नहीं आता मालूम, नहीं मेरे को तो आता था मालूम, मैंने पॉइंट पॉइंट कैलकुलेशन कर रहा, मैं बोला पागल आदमी वो प्रोसेस कॉस्टिंग बाय बाय प्रोडक्ट बाय वो क्या है, अरे कैसा पॉइंट पॉइंट में आंसर आता। ओके तो कैडबरी की फैक्ट्री गया, तो अभी इसके पास क्या ऑप्शन है, इसको पैसा खर्च करना नहीं है क्योंकि पैसे नहीं है, गरीब आदमी है, गरीब मतलब डेली वेज वाला है, घर के घर दाल रोटी भी चाहिए, अब दाल रोटी भी चाहिए और कैडबरी भी चाहिए बेटी को, तो क्या करेगा ये, चोरी नहीं बोलने का। एक चीज याद रखो लाइफ में देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ चोरी, ओके देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ढापना, ओके दोनों में बहुत फर्क है मैडम, क्या फर्क है बोल रही है, चोरी और ढापने में क्या फर्क है, ढापना आदमी खुशी से करता है, ओके चोरी खुशी से नहीं, चोरी मजबूरी में होती है, चोरी मजबूरी में होती है। ओके मैं आपको बता, अरे भाई एकदम सिंपल है, ओके आपको मैंने कल मेरा प्रोफाइल मैंने बताया, मैं बैंक में जॉब कर चुका हूं, बैंक में मैं कौन सी पोजीशन थी मेरी, एवीपी असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, तुमको बताऊं मेरी जब जॉब ज्वाइन हुई थी, मतलब तुमको मजाक लगे लेकिन मजाक नहीं है ये, सच बता रहा हूं मैं जब गया था तो पहला एक महीना मैंने शिद्दत से ओके अपन ने एनवायरमेंट को स्टडी किया, एनवायरमेंट को समझा यानी किधर कौन क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, और फिर बाद में धीरे धीरे ओके एक कॉफी वेंडिंग मशीन थी, वो मशीन ने ढापा सालो मतलब वो कॉफी मशीन वेंडिंग मशीन मालूम है ना, कॉफी वेंडिंग मशीन, उसके बाद में ना कॉफी के पैकेट, ओके चाय होटल में जैसे रहते हैं, अभी होटल में आज अपन फ्रीक्वेंटली जाते हैं, 10 साल पहले पूछो पापा मम्मी को ऐसे होटल में जाते थे क्या अपन, अरे बहुत मुझे, अरे मेरे को मालूम है भाई मैं इधर होने के बाद भी नहीं होटल में जाता था, तो उस टाइम पे उधर चाय कॉफी के पैकेट होते थे, तो अपन ने क्या किया पहले एक महीना कुछ नहीं, एक महीना पहला पता शिद्दत से कौन सीनियर मैनेजर 16 लाख की पगार, 16 लाख चाय का खरीद सकता मैं, कॉफी का खरीद सकता मैं, 50 रुपए की ब्रू कॉफी आती थी इतना सा खाले खरीद सकता, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस खुशी, मतलब जब मैं उधर चाय पीने जाता था तो पहले दिन एक कॉफी का पैकेट निकाला पॉकेट में डाला, मैंने पहले एक लॉजिक लगाया अगर किसी ने पकड़ा तो मैं बोला उधर जगह पे जाके डार्क कॉफी पीऊंगा, और किसी ने नहीं पकड़ा तो ये जाएगी घर पे, मैं आपको बता रहा हूं 2009 में अगर मेरे घर पे आते और कॉफी पीते तो इट वुड बी एचडीएफसी बैंक कॉफी। अभी मेरे को बताओ मैडम 16 लाख की पगार में कॉफी के पैकेट खरीद सकता कि नहीं खरीद सकता, खरीद सकता, फिर भी ढापा, ये ढापा है, चोरी नहीं है, चोरी करके आप इसको है ना आप ठेस पहुंचाओगे। अरे मेरे मेरे भाई भाई और बहनों तुम समझो, तुमको ये सब सीखना पड़ेगा। अरे क्या हो? अरे मजा कर, अगले साल आर्टिकल शिप चालू होगी अपनी, तू क्या तेरे को क्या लग रहा है तू सजेस्टेड आंसर के प्रिंट देके पैसे देके प्रिंट करवाएगा, कहां से प्रिंट होनी चाहिए ऑफिस, स्टेशनरी किधर की आनी चाहिए, कैलकुलेटर किधर का आना चाहिए ऑफिस, ये क्या होगा ढापना। इसीलिए मैं बोलता हूं बहुत बार स्टूडेंट बोलते हैं सर सर हमारी अरे यार आर्टिकल शिप में पैसे बढ़ा ही नहीं रहे, बढ़ा ही नहीं रहे, 2500-5000 स्टाइपेंड क्या है क्या है। अबे तू पागल तू देख, तेरे को समझना जरूरी है दो तरह के, अरे देयर इज अ टेंजिबल बेनिफिट एंड इनटेंजिबल बेनिफिट, अरे दोनों को टोटल मारा ना 20,000 प्लस निकाल सकता तू, अरे पूरी मॉडल प्रिंट करने की, पर करना कब आफ्टर ऑफिस आवर, अरे ड्यूरिंग ऑफिस आवर क्या, तो भाई पकड़े पकड़े नहीं फिर क्या बोलेगा क्या, तो आफ्टर ऑफिस आवर करने का, टेंशन नहीं लेने का, आफ्टर ऑफिस आवर सब निकल गए 6 बजे फिर करने का, और अगर उस टाइम पे कोई दूसरा भी रात डोंट वरी वो भी यही कर रहा, वो भी सिर्फ इसीलिए रुका है कि भाई प्रिंट मारे, तो अपने साथ में धाप 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 धाप। अब मेरे को बताओ क्या इसको चोरी का नाम दोगे तुम, कैसा होएगा यार, क्या अपन चोरी करेंगे, 5-1 हजार तो अपन ऐसा खर्चा करके बुक बुक ले सकते हैं, लेकिन अपने को खुशी, दिस इज कॉल्ड हैप्पीनेस। मेरे ख्याल से अभी क्लियर हो गया, चोरी और दोनों चीज अलग अलग है। अभी अपन होटल में गए तो क्या करेंगे, अपन ढापेंगे, ओके बड़ी शॉप क्या करते अपन, टिश्यू में लेते ना, अपन ऐसा लेते कि जैसे ऐसा कोई कोई तो ऐसा लेके जाता कि अपने घर के बड़ी शॉप की बॉटल में भर जाऊंगा, तो ये क्या हुआ ढापना, ढापने के साथ इमोशन होता है। और आप बोलोगे सर ऐसे कैसे खुशी मिलती है, खुशी मिलती है, खुशी मिलती है, तो तू देख मतलब वैसे बचपन में तू मतलब अभी पता नहीं तू कैसे क्या किया है, अगर तू 4th-5th floor पे रहता है तो मेरे ख्याल से 2nd-3rd floor की घंटी बजा के भागना, क्या मिली तेरे को, पैसे मिले,
खुशी। जब कॉफी के पैट घर पे आए थे मालिक, खुशी थी अलग। मम्मी ये ले कॉफी, बैंक से लाया। ओ वाह मेरा बेटा, एबीपी है तू। तो भाई कैडबरी की फैक्ट्री, तो मेरे को बताओ कैडबरी की फैक्ट्री में, ओके मेरे को सोच समझ के बताओ, गिव मी अ गुड आंसर। आपको लगता है ढापना आसान हो सकता है? ओके इमेजिन करो एक जनरल कॉन्सेप्ट में आप जाओ, कंट्रोल वंट्रोल के हिसाब से आप सोच रहे होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली बोलो कैडबरी की फैक्ट्री में ढापना आसान हो सकता है कि नहीं होता है? ढापना पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा वो क्वेश्चन पूछा नहीं मैंने, मैंने क्या पूछा है, ढापना, ढापना आसान हो सकता है कि नहीं? क्यों? छोटा है, छोटा है, छुपा के लेके जाना इजी है। समझ में आ रहा है? ओके अब थोड़ा सा थॉट बदल गाओ, अगर वही आदमी सिंटेक्स की सिंटेक्सी टाकी, मालूम ना सिंटेक्सी टाकी, उसकी फैक्ट्री में काम कर रहा होगा और उसकी बीवी ने बोला रात को सिंटेक्सी टाकी गया ना, नहीं समझा समझा, अगर एग्जांपल समझा होगा तो मेरे को बता उधर से, मतलब मेरे को बता इन्वेंटरी उधर से ढापना आसान या मुश्किल, यानी उधर इन्वेंटरी चेक करते वक्त ज्यादा ध्यान देगा या कम? कम देगा, कम देगा सिंटेक्स में, लेकिन कैडबरी में रिस्क रिस्क रिस्क, ये एरिया होता है जिससे अपन को समझ में आता है, अच्छा इधर चेकिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, इधर चेकिंग, ऐसे तेरे को पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम को लगाना पड़ेगा और इसके बेसिस पे ओके सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएट डिसाइड होगा। वापस मैं बोल रहा हूं, सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस इज ए मैटर ऑफ जजमेंट। अंडरफुल इसके लिए स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड 500 है, जो हमको बताएगा कैसे कितना होना चाहिए, नंबर नहीं बताएगा ज्यादा लेवे या कम लेवे। एग्जाम्पल मेरे को बताओ 8 सैंपल लू, 10 लू या मैं खाली 2-3 लू, ये क्या क्या बेसिस पे होना चाहिए? इसके प्रैक्टिस होंगे, डिस्कशन होगा, लेकिन लेकिन ओके कहीं ना कहीं ये मैटर ऑफ जजमेंट है, मैटर ऑफ जजमेंट है। भारत माता की जय, समझ में आ रहा है मालिक? लेकिन जजमेंट लगा दे, लेकिन जजमेंट लगा दे आप पॉलिश करोगे, बट नेवरथलेस मेरे ख्याल से अभी अभी सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस क्लियर है मालिक। वापस आते हैं पोजीशन पे, वापस पोजीशन पे, अपनी बैक पोजीशन पे जाओ। ओके मेरे को बताओ, ओके पहला पॉइंट ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड टू रिपोर्ट। आगे वाला मैंने एंड का छोड़ा हुआ, मैंने खाली जनरली खत्म किया क्योंकि मेरा मेन टारगेट पहली लाइन पे ही है। मेरे को फर्स्ट 2 दिन में मेरे को डे बेसिक और इंट्रोडक्शन में यही समझाना मेरे को। ओके तो अब मेरा क्वेश्चन आता है, जब मैं रीजनेबल एश्योरेंस बोल रहा हूं तो रीजनेबल एश्योरेंस कैसे ऑब्टेन करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है आपसे। ऑडिट एविडेंस, फिर मैं बोला ऑडिट एविडेंस से रीजनेबल एश्योरेंस आ जाएगा, नहीं। ऑडिट एविडेंस कैसे होने चाहिए? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। अब मेरा क्वेश्चन आएगा सफिशिएंसी एप्रोप्रिएटनेस कौन डिसाइड करेगा? ऑडिटर, क्योंकि वो क्या है, उसका जजमेंट। मैं वापस आ रहा हूं, ओके सीक्वेंस समझ में आ रहा है सबको, एवरीबॉडी? ओके वापस आते हैं। ओके सबसे पहले मेरे को बताओ मेरे को क्या चाहिए? रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस आने के लिए ऑडिट डिविडेंस, ऑडिट डिविडेंस कैसे होने चाहिए? सफिशिएंसी या नेपर, और ये 2 कैसे डिसाइड करोगे? जजमेंट ऑफ ऑडिटर। इसीलिए जजमेंट लगाने के लिए फिर अपने पास स्टैंडर्ड्स होंगे और इसके लिए स्टैंडर्ड 500 मिलेगा अपने को आगे, बट नेवरथलेस मेरे ख्याल से इधर तक समझ में आया। ओके अच्छा मेरे को बता सफिशिएंसी और एप्रोप्रिएटनेस का एग्जांपल समझा, एग्जांपल मतलब वो समझा, सफिशिएंसी मतलब क्वांटिटी, यानी अगर मैं बोलूं मेरे पास 10 एम्प्लॉई है, ओके आपको क्या चेक करना है, तो क्या इसमें से क्या क्या सीन है, मतलब सफिशिएंसी क्या होगी? 10 एम्प्लॉई नंबर कितने चेक करना है, दैट इज कॉल्ड सफिशिएंसी, और क्या चेक करना है? एप्रोप्रिएटनेस। ठीक है चलो और एक ट्रांजेक्शन लेते हैं, ओके इन्वेस्टमेंट्स, मेरे पास 10 तरह के इन्वेस्टमेंट्स है, 10 तरह के इन्वेस्टमेंट्स है, ओके अब मेरे को बताओ सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस का एग्जांपल, 10 में से कितने, आप एक एग्जांपल लेते रहो ना, एग्जांपल देते रहो, कुछ भी फिगर बोलो ना, फिगर बोलने में क्या जा रहा है, जजमेंट है ना तेरा। ओके 4, ये क्या हुआ? सफिशिएंसी। अब एग्जाम्पल उसके डॉक्यूमेंट ऐसे जनरलाइज मत बोलो, मेरे को आंसर चाहिए, अभी आंसर चाहिए। इन्वेस्टमेंट में पहले क्या देखोगे? डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट देखोगे, दूसरा बैंक स्टेटमेंट क्योंकि पैसा जाना चाहिए, ओके तीसरा ओके रिसीट्स, कुछ रिसीट्स हो सकती है इन्वेस्टमेंट के अगेन, क्या डिविडेंड मिल सकता है? यस, तो डिविडेंड कुछ आया है क्या, उससे अपने को कंफर्म होगा इतना इन्वेस्टमेंट है। ठीक है उसके अलावा और बाउंड पेपर्स हो सकते हैं, पर आज के डेट में फिजिकल कॉपी नहीं होगी तो डीमैट अकाउंट से मैनेज हो जाएगा। ठीक है उसके अलावा और इन्वेस्टमेंट के लिए नेम ऑफ द कंपनी जिसके इन्वेस्टमेंट है वो किसमें मिलेगा मेरे को? रजिस्टर। हर कंपनी हर चीज का रजिस्टर होता है, जैसे मैंने फिक्स एसेट बोला वैसे ही याद रखना, हर चीज का रजिस्टर मेंटेन करती है, तो इन्वेस्टमेंट का भी उनके पास क्या होगा? रजिस्टर, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर। देखो ये 4 चीज चेक करना है इस एप्रोप्रिएट, और ये चारों जब चेक करोगे तो क्या होना चाहिए? रिलेवेंट तो है ही, अपने डिस्कस किया रिलेवेंट है ही, साथ में क्या होना चाहिए? रिलायबल। यानी एग्जांपल मैंने ओरिजिनल दिया, फोटोकॉपी दिया तो नहीं, तूने क्या मांगना चाहिए? ओरिजिनल दो, ओके फोटोकॉपी पे रिलाय नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने ओरिजिनल दिया उसके बाद बोले और ओरिजिनल कर,
समझा ना, मतलब एक्स्ट्रा ही ज्यादा ही ऐसे सचेत मत होना ना, मैं ऑडिटर मेरे को और ओरिजिनल बता, तू उस आदमी को ही बोला जिससे खरीदा तूने। अब ऐसा भी ऑडिटर मत बनना, मतलब समझा। तो भाई रिलायबल देखो, रिलायबल में मैंने आपको बताया ओरल होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, थर्ड पार्टी से पूछोगे या कंपनी से पूछोगे, थर्ड पार्टी से कितना भी रहा तो भार वाला रिलायबल रहेगा यार। मेरे को बताओ, मेरे से पूछा अच्छा है क्या, मैं तो अच्छा ही बोलूंगा। भार वाले से पूछा तो आप बताएंगे अच्छा है कि नहीं है। दैट्स हाउ द कांसेप्ट वर्क्स। भारत माता की जय। भाई दत्तक साइकिल एवरीबॉडी। तो अगर मैं मतलब ऐसे अपने को स्ट्रक्चर वाइज अगर एग्जांपल आते गए स्ट्रक्चर वाइज धीरे धीरे अपन पॉलिश करेंगे, अपन डे टू पे अपन, लेकिन आपको समझ में आ रहा है। एंड याद रखना, दिस इज नॉट ए 35 डेज बैच, ओके, दिस इज ऑलमोस्ट अपने को 52-53 डेज अपने को लगेंगे, मतलब पूरे ऑडिट के दिन है ये। तो अपने को 50 दिन मतलब हाफ सेंचुरी मारनी है अपने को। जब हाफ सेंचुरी मारनी है ना, तो धीरे धीरे स्ट्रक्चर वाइज एवरी डे स्ट्रक्चर को बिठाओ और घुमा के एस्टैब्लिश करो एंड बिकम ए मैच्योर्ड इनफ विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। यू मे नॉट बी गोइंग इन ऑडिट, आई एम नॉट टेलिंग कि ऑडिट में जाना कि नहीं जाना, ये मैं कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेरी लाइफ में भी मैंने अपने चॉइसेस लिए हुए हैं। मैं भी स्टेटरी ऑडिट में था, ओके, स्टेटरी ऑडिट से मैं शिफ्ट हुआ आईटी ऑडिट में, क्योंकि पैसा उधर ज्यादा था, ओके, उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ टीचिंग में, ओके, वो थोड़ा सा पैशन आया, फिर पैसा मिलने लग गया, फिर पैसा और पैशन दोनों सेटिस्फाइड हो रहा था, फिर क्यों नहीं करूं। तो दोनों जिधर मीट हो रहा है तो अल्टीमेटली लाइफ सेट हो रही है, और ये चीज होते होते ये कर रहे हैं। पर मैं ये बता रहा हूं, दो चीज आपको बहुत शिद्दत से रहेगी। पहली चीज, ओके, पेपर का मैं आपको ये क्लियर बोलता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन आने तो सारा का सारा पूरा एकदम आराम से अटेम्प्टेबल होगा। और दूसरा, मार्क कसम, और इसके ऊपर कुछ भी रहा तो अपन बैठे हैं और इसके बाद अपन बात करेंगे, ओके, एनीथिंग यू कैन क्लेम फ्रॉम मी, ओके, अगर तुम गलती से आर्टिकलशिप में ऑडिट में गए या ऑडिट में नहीं गए दूसरे इधर गए और ऑडिटर तुम्हारे इसमें भी ऑडिट तो होगा ही, उधर कुछ रहा और तुम ज्ञान नहीं दे पाए ना, ज्ञान नहीं चेप पाए, नाम बदल देना सर अपना और तोड़ ज्ञान चिपकाओगे। यानी ये भी हो सकता है बहुत बार प्रिंसिपल को ये नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये जो अपन स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, दीज आर फॉलोड बाय बिग फोर्स, बिग टेंस, नॉट बाय ऑल। तो बहुत बार है ना स्टैंडर्ड दुविधा में आ जाते हैं, मिड साइज फर्म, स्मॉल फर्म, ये दुविधा में आते हैं, क्योंकि कितना भी ना तो कहीं ना कहीं स्टक पॉइंट आता है, ज्ञान देने का काम हो जाएगा। एंड 100% बोल रहा हूं, बस ये जो जैसे शिद्दत से जा रहा ना, एक अडेप्ट करते रहो और खुद सोचो। जैसे अभी एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ ना, मैडम ने बोला एविडेंस लेंगे, एविडेंस नहीं, मेरे को आंसर चाहिए, मतलब कुछ पॉइंट बताओ आपके दिमाग में आ रहे हैं, व्हाटएवर पॉइंट्स में भी हो सकता है, क्या होगा, या तो रिलेवेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो अपन रिलेवेंट होगा रखेंगे, नहीं रहा तो निकाल देंगे, बट आंसर आना चाहिए। ओके, तो आज का पहला कॉन्सेप्ट गया, हाँ या ना, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिटर्स पक्का समझा, क्लोज कर सकते हैं पक्का, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट, मतलब क्या होना चाहिए जो है। एग्जांपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं फॉलो किया, जैसे SLM और WTV, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्या बोला तुम्हें, WTV, और अपन ने क्या फॉलो किया, कारण क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा करना या कम करना, प्रॉफिट कम करके मैं क्या करूं, टैक्स, या प्रॉफिट बढ़ा के शेयर मार्केट की प्राइस बढ़ा रहा हूं या डिविडेंड देने की कोशिश कर रहा हूं। अब इमेजिन करो कितनी चीज हो सकती है। एग्जांपल, मेरे को आपको ऐसा नहीं लगता मैं सेल्स बढ़ा दूंगा भयंकर, और सेल्स बढ़ा दूंगा, फॉर्ज सेल्स, ओके, और मैं क्या क्रिएट करूंगा, डेटर्स, ओके, डोंट यू थिंक इस साल की प्रॉफिट मेरी तगड़ी हो जाएगी, ओके, इस साल की प्रॉफिट अगर एकदम तगड़ी हो गई, टैक्स भरूंगा ही मैं, अनडाउटफुली टैक्स रहेगा, टैक्स नहीं रहेगा ऐसा नहीं है, टैक्स रहेगा, प्रॉफिट तगड़ा हो जाएगा, मार्केट में इमेज अच्छा हो जाएगा, बैंक से 50 करोड़ का लोन ले लूंगा, और अगले साल डेटर्स को बैड डेट्स, और बैड डेट्स क्या, वो पीएनएल में आ जाएगा, यानी जितना मैंने बढ़ाया था उतना उस साल के प्रॉफिट में, अगले साल टैक्स, मतलब इन शॉर्ट मेरा टैक्स उतना ही आएगा जितना है। लेकिन डोंट यू थिंक मैं एक साल के लिए सुपरफिशियल तो हो गया। अब इमेजिन करो एज ए ऑडिटर आपको यह पता करना होगा। अब ये थोड़ा ना क्लाइंट बताएगा तेरे को कि मैं ऐसा कर रहा हूं, क्लाइंट ऐसा, अरे क्लाइंट बहुत अच्छा रहता है, ये पॉइंट क्लियर है, लेकिन आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, देयर मे बी समथिंग लाइक दिस। अरे ये चीजें, इट कम्स ओनली फ्रॉम वन थिंग, दैट इज कॉल्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये ऑडिट एविडेंस है जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है, जिधर भी आपको लग रहा है सर इधर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, 100% चेकिंग कर, बात खत्म। जिधर तेरे को लग रहा है सिलेबस ये जम नहीं रहा है, 100% पर जम जाएगा। जिधर तेरे को लग रहा है कि भाई 60% पढ़ के 60 आ जाएगा, उधर 60% पढ़, तेरे को मालूम है उतने ही क्वेश्चन आने वाले हैं, कॉन्फिडेंस है तेरे को, मालूम है पूरा आता है, तेरे को मालूम है 60% पढ़ूंगा, लेकिन याद रिटर्न 60% का नहीं होगा, याद रिटर्न खाली 30% का होगा, तो फिर 100% पढ़ ताकि 60% का रिटर्न हो।
तुम्हारा सेम लॉजिक ना इधर भी, जिधर तेरे को लग रहा है कि भाई इधर तेरे को लग रहा है कि नहीं फ्रॉड हो सकता है, एरर हो सकता है, चेकिंग ज्यादा कर। जिधर तेरे को लग रहा है इधर एरर होने के चांसेस कम है, क्या कर, चेकिंग कम कर। इससे अपन रिसोर्स, जो ये बोला था, क्या बोला था, किसने बोला था, खर्चे का, खर्चे का, इसने बोला खर्चे का, खर्चा मैनेज होगा ना, समझ में आ रहा है, यानी खर्चा ज्यादा जिसमें लगा, जिधर रिस्क ज्यादा और जिधर रिस्क कम है उधर खर्चा कम है। और ले कुछ लॉजिक, लॉजिक बेटर है क्या, बस यही कॉन्सेप्ट से अपने को आगे बढ़ते जाना है ऑडिट में। अब क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन, अब ये जो अब आगे के जो पॉइंट मैं बता रहा हूं वो दो तीन पॉइंट मिक्स करके बता रहा हूं, मिक्स है मतलब वो दूसरा पॉइंट, दूसरा कॉन्सेप्ट। सबसे पहला ओके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सर ने बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, गौरव से आंसर आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपन ऑडिट में नहीं बोलते हैं, ओके जब अकाउंट्स करते तब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। क्यों, ये कंपनी है ओके, ये कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, लेकिन ये कंपनी है जो लिस्टेड है जिसको इंडेस एप्लीकेबल है। अब इंडेस के डिस्क्लोजर और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर, जमीन आसमान का फर्क है भाई, ओके मैं आपको बता रहा हूं, इवन ग्रुप टू एडवांस अकाउंटिंग आएगा तब आपको समझ में आएगा, और फाइनल में आने के बाद तो तुमको झेपेगा झेपेगा, मां कसम दिमाग की, मतलब मैं बता रहा हूं एक ही कॉन्सेप्ट, रिलेटेड पार्टी का ही कॉन्सेप्ट, एएस में और इंडेस में फर्क है, ऐसा नहीं है वो कॉपी पेस्ट है। तो मेरे को बता इसको इंडेस एप्लीकेबल है, इसको इसको एएस एप्लीकेबल है, इसको इंडेस एप्लीकेबल है, अब मेरे को बता कॉन्सेप्ट बता, ओके अब कैसे होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलना बेवकूफी होगी। थोड़ा सा और एक कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, ये मैडम सब्सिडरी है, होल्डिंग सब्सिडरी मालूम है, सुना है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी कौन सी होती है, होल्डिंग कंपनी जो होल्ड करती है, सब्सिडी कंपनी जिसका होल्ड करती है, 51% या उससे ज्यादा अगर कोई कंपनी में है तो वो जो जो होल्ड कर रही है वो होल्डिंग, और जिसमें होल्ड कर रही है सब्सिडरी, ओके शायद हा मेजोरिटी 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 ऑफ शेयर होल्डर शायद, अभी अगर ये याद होगा तो थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं, 129 में आपने पढ़ा होगा, जो जो होल्डिंग कंपनी है वो तो अपना एग्जांपल इधर एक्स लिमिटेड लेते हैं और एक वाई लिमिटेड लेते हैं, ओके एक्स लिमिटेड इज होल्डिंग, वाई लिमिटेड इज सब्सिडरी। अब जो होल्डिंग कंपनी एक्स लिमिटेड है वो एक्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाएगी ही बनाएगी, लेकिन अगर आपको मालूम होगा सेक्शन 129 बोलता है एक्स लिमिटेड ने एक्स प्लस वाई का CFS भी बनाना पड़ेगा, और शायद याद है तो ये CFS जो बनेगा वो किसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनेगा, होल्डिंग कंपनी के, यानी सब्सिडी का कोई और दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा उसे कोई लेना देना नहीं है, ओके एक्स के हिसाब से बनाना होगा, याद है सेक्शन 129 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी 129 भी है अपन, मालूम है ये नहीं मालूम है तो अभी समझ में आ गया, पक्का समझा, यानी मेरे को बताओ अगर वाई लिमिटेड का इंडेस है और एक्स लिमिटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है तो जो CFS बनेगा, मैं बोल रहा हूं देखो सुनो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने बनेंगे मेरे को बताओ, इधर टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने बनेंगे, एक एक्स लिमिट का कितने बनेंगे दो, और वाई का कितना बनेगा एक, यानी टोटल कितने बन रहे तीन, लेकिन तीन कैसे बनेंगे, ओके जो एक्स लिमिट का है वो दो बनेंगे, जो AS के हिसाब से बनेगा दोनों, जिसमें से एक होगा खाली एक्स लिमिटेड का और एक होगा CFS में एक्स प्लस वाई का, सबको समझ में आया, और जो वाई का बनेगा वो एक ही बनेगा और वो बनेगा इंडेस में, झेपा कुछ ये एग्जाम्पल झेप रहा है, अगर झेपा होगा तो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मेरे को बताओ एक्स लिमिटेड है ये होल्डिंग है, होल्डिंग है और वाई लिमिटेड है ओके ये सब्सिडरी है, ओके एक्स लिमिटेड जर्मनी में है, जर्मनी में है, जर्मनी में है और सब्सिडरी इंडिया में है, ठीक है। अब ये जो वाई लिमिटेड इंडिया में है ये तो AS फॉलो कर रही है, एक्स लिमिटेड जो जर्मनी की है वो ओके जर्मन गैप फॉलो कर रही है, जर्मन गैप होते हैं ओके जिसको नहीं पता है, मेरे को भी वैसे जर्मन गैप नहीं पता है पर बोल रहा हूं जर्मन गैप है, वैसे जर्मन का तो जर्मन शेफर्ड डॉग ही अपने को मालूम है, इससे ज्यादा अपने को पता नहीं, पर जर्मन गैप होते हैं जैसे इंडेस होते हैं AS होते हैं वैसे जर्मन गैप। अब ये AS जो इनको एप्लीकेबल है बिकॉज ऑफ इंडिया वट एवर क्राइटेरिया, ओके वाई लिमिटेड को इनको देने के लिए, क्योंकि एक्स लिमिटेड तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके कंट्री के लॉ के हिसाब से बनेगा, अपने कंट्री के लॉ मत लगा, उनके कंट्री का लॉ भी अज्यूम करते हैं, उनकी सब्सिडी जो भी होगी उनको उनके जर्मन गैप के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, यानी मेरे को बताओ वाई लिमिटेड कौन से स्टेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, एक तो AS से बनाएगा वो किस पर्पज के लिए, इंडिया के लिए, और एक पर कौन सा बनाएगा ओके जर्मन गैप। अब ये लॉजिक लगाओ, जर्मन गैप क्यों बना रहे हो, उसको बनाना नहीं इंडिया में, नहीं बनाना ये इंडिया के लिए, नहीं बनाना है जर्मनी के लिए बनाना है, इंडिया के सेक्शन 129 के हिसाब से सब्सिडी को कुछ बनाने की जरूरत
नहीं है, सब्सिडी को तो कुछ करना ही नहीं है, लेकिन जर्मन गैप के हिसाब से करना है। अब मेरे को बताओ इसने जर्मन गैप का फॉलो किया, समझ में आया जर्मन गैप, पर ये किसके लिए बना रहा है? जर्मनी के लिए बना रहा है। ओके, और उस कंट्री का लॉ कुछ इस तरह से बोलता है, वो बोलता है ये जो जर्मन गैप है ना ये ऑडिटेड होने चाहिए, और ये होता भी है सीएफएस में भी ऑडिटेड ही होने चाहिए, तो ये ऑडिटेड होने चाहिए। इसका मतलब एज ए ऑडिटर तेरे को अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, यानी मेरे को बताओ एक्स एक्स लिमिटेड छोड़ दो, एक्स लिमिटेड जो जर्मनी का है, वाई लिमिटेड को जर्मन गैप से क्यों बनाना है, मेरा पहला क्वेश्चन, वाई लिमिटेड को जर्मन गैप से क्यों बनाना है? वाई लिमिटेड होल्डिंग है क्या? वाई लिमिटेड सब्सिडरी है तो भी जर्मन गैप से क्यों बना रही है वो? क्योंकि उनको होल्डिंग को देना है, और होल्डिंग ने और एक क्राइटेरिया क्या डाला है कि तुमको उधर का ऑडिट भी करवाना है, इंडिया से ऑडिट होना चाहिए, पर कौन से गैप में? जर्मन गैप में, समझ में आया? ओके, तो मेरे को बताओ इधर का जो ऑडिट आएगा वो ऑडिट कौन सा करेगा, ऑडिट क्या करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो ऑडिट वापस बोल रहा हूं, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। अब मेरे को बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या इधर? जर्मन गैप है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़ा है। ओके, यानी जब ऑडिटर आएगा, अपन ने खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शब्द यूज किया या प्रयोग किया, अपने लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, जो मैंने आपको समझाया। इसीलिए हम लोग इधर जो शब्द का प्रयोग करते हैं, कान खुले एकदम आराम से, हम जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो होता है AFRF, शब्द का प्रयोग। हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कभी नहीं बोलते, जर्मन गैप कभी नहीं बोलते, इंडेक्स कभी नहीं बोलते, हम किसी भी कंपनी के लिए बोलेंगे AFRF, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। वापस आते हैं, क्या नाम है? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। वापस आते हैं, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, आखिरी बार, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, आखिरी बार, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एप्लीकेबल वर्ड उड़ाओ, फ्रेमवर्क उड़ाओ, एफआर सीए फाइनल का पहला पेपर, एफआर मतलब अकाउंट्स। ओके, समझ में आया? एप्लीकेबल अकाउंट फ्रेमवर्क, वही मान रहे हो भाई? अब मेरे को बताओ एप्लीकेबल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क कौन सा होगा, यानी अगर एग्जांपल तू ये कंपनी है, इसको कौन सा एप्लीकेबल था? इंडेस, तो इसके लिए फ्रेमवर्क कौन सा होगा? इंडेस। यानी तू एज ए ऑडिटर जब चेक करेगा तो इसके साथ में क्या चेक, इसको इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके साथ कंपेयर करेगा? इंडेस, उसके एएस। ओके, वाई लिमिटेड इधर वाले जर्मन गैप, लेकिन अपन बार बार ऐसे शब्द का प्रयोग, तो अपन ऑडिट में पूरे शब्द का प्रयोग क्या करेंगे? AFRF, AFRF का फुल फॉर्म एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यानी मेरे को बताओ मिस स्टेटमेंट का शब्द को और क्लियर करो, मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट मतलब क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ AFRF, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFRF के हिसाब से नहीं है तो भाई प्रॉब्लम है। हाँ, अपने इंडियन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से होने चाहिए? AS और INDAS, ये लॉजिक, ये लॉ ने बोला था, कंपनी लॉ सेक्शन मतलब है ना, सेक्शन 129 बोला था, AS INDAS और शेड्यूल 3 याद आया क्या? मालूम बड़ा हाँ या ना? तो मेरे को बताओ अगर कोई कंपनी है जो जर्मन गैप फॉलो करती है वो AFRF, अपन क्या बोलेंगे? AFRF। ओके, इंडियस फॉलो कर रही है AFRF, AS फॉलो कर रही है US गैप, हम सिर्फ एक ही शब्द का प्रयोग यूज करेंगे AFRF। AFRF का फुल फॉर्म एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। प्लीज शांति से एकदम आराम से, सारे सारी आत्मा मेरे साथ आराम से, हाँ पक्का? तो मेरे को बताओ जब भी मैं इधर ऑडिट में, जब भी मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलूंगा, मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शब्द यूज, मैं कौन सा शब्द यूज करूंगा? तो जब भी मैं AFRF बोलूं तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? इट कैन बी AS, इट कैन बी INDAS, डिपेंडिंग ऑन कंपनी। जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिया, इसका क्या है? INDAS, इधर क्या है? AS, ये ध्यान रखो। फ्रीज करे, ठीक है? तो AFRF आराम से, AFRF मैंने वापस बोला, ये कॉन्सेप्ट के साथ तीन चार कॉन्सेप्ट जुड़े हुए मेरे। AFRF दो तरह के होते हैं, एक होता है GPF, एक होता है SPF। लास्ट दो पॉइंट बचे जो कॉमन पुल है, ये कॉमन पुल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये अपन करे बिना अपन स्टार्ट करें ना, एटलीस्ट मेरे पढ़ाने के टेक्निक में ये झिपता नहीं, और अपना पढ़ाने का टेक्निक एकदम क्लियर है। ओके, अपने पढ़ाने के इसमें मैं क्लियर प्रिंसिपल बोलता हूं, अपन क्लियर कट ऑडिट पे बात करेंगे। ओके, मतलब अपन, मैं चैप्टर के इसमें बताऊंगा आपको, ऐसे मैं चैप्टर बता सकता हूं, जैसे सारे सारे स्ट्रक्चर में वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विल बी कि ऑडिट कैसे लिखते कैसे, ऑडिट कैसे करते, ये नहीं समझ में आता। ऑडिटर अपॉइंट कैसे करते हैं? सेक्शन 130 ने बोलते मालूम है मेरे को। ऑडिटर को निकालते कैसे? मालूम है मेरे को। ऑडिट कैसे करते हैं? मेरा डिस्कशन ऑडिट कैसे करते हैं उस पर, तो ऑडिट कैसे करते ना, उसका फ्लो अच्छे से याद रखो।
तो AFRF हमेशा दो चीज में आता है, दो फ्रेमवर्क में आता है, एक होता है GPF और एक होता है SPF। जब GPF की बात करेंगे उसको हम नाम देंगे जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। क्या बोला मैंने नाम? जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। वापस ये नाम, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। तो SPF का नाम आप बता सकते हो? स्पेशल परफॉर्म फ्रेमवर्क। ओके, स्पेसिफिक नहीं है, स्पेशल। तो मुझे बताओ GPF का फुल फॉर्म जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, SPF का फुल फॉर्म स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, जो जनरली एप्लीकेबल है, जनरली सबको, इधर इंडस्ट्री में सबको, इंडस्ट्री में सबको GPF, इंडस्ट्री में सबको GPF। इस इंडस्ट्री में से ये वो GPF तो कर ही रही है, लेकिन और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है जो अलग से बना रही है, सिर्फ ये बना रही है, पूरी इंडस्ट्री नहीं बनाती, पूरी इंडस्ट्री जो बनाती है वो GPF। ये पूरी इंडस्ट्री में से ये हद जाती है और ये बोलती है मैं ये कुछ पर्पस, कुछ भी पर्पस होने दो, दैट इज कॉल्ड SPF, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है, ये पूरी इंडस्ट्री, आप लोग इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, सारे इंडस्ट्री को एक इंडेक्स एप्लीकेबल है, इंडेक्स इज नहीं नहीं AFRF तो हो गया, GPF या SPF पूरी इंडस्ट्री को एप्लीकेबल है, समझ में आया? ओके, ये मैडम है ना जर्मन की सब्सिडरी है, इसीलिए ये जर्मन गैप से भी बनाती है, ये इंडेक्स तो बना रही है इंडेक्स, यानी कितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रख रही है? दो। ये पहला वाला इंडेक्स वो कौन सा? GPF, और एक जर्मन गैप के हिसाब से बना रही है, समझ में आ रहा है? यानी जो सबको एप्लीकेबल है वो, जो अलग से कुछ कर रहा होगा वो, यानी इन शॉर्ट अगर कोई कंपनी है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रही है, गिव मी अ गुड आंसर, कोई कंपनी है अक्रॉस इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, GPF ही रहेगा। ओके, अक्रॉस इंडिया इंडेक्स से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, GPF ही रहेगा। ओके, और इसके अलावा दोनों, ये दो के अलावा SPF, यानी टू बी वेरी प्रिसाइज, ऊपर वाले में आइए, आराम से जाइए। ओके, आराम से जाइए, वापस बोल रहा हूं, कंटेंट ये कंटेंट नहीं है, पर ये समझना जरूरी है क्योंकि इसके बाद मेरे को आंसर मिलेंगे, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड एप्लीकेबल खाली GPF को है, कुछ स्टैंडर्ड एप्लीकेबल SPF को है, तो अपने को ये आएगा तो अपने को स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी आएगी। तो मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है, अगर इधर याद है आपको, वाई लिमिटेड दिख रहा है स्क्रीन पे, वाई लिमिटेड ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने बनाए? कौन सा? पहला इंडेक्स और दूसरा वाला, मेरा क्वेश्चन है उसने जर्मन गैप क्यों बनाया? नहीं क्यों बनाया, क्योंकि उसकी होल्डिंग जर्मनी की है, तो इसीलिए वो जर्मन गैप से बना रही है। तो मेरा क्वेश्चन है, जो इंडेक्स वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो GPF, और जो जर्मनी वाले है, ओके, याद रखना, ऐसा एक ऑडिटर आएगा, दोनों ऑडिट करेगा ऐसा नहीं होता, ऑडिटर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है, अपने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होगा, यानी एक इंगेजमेंट ये अलग होगा, ये इंगेजमेंट अलग होगा, एक इंगेजमेंट किसका होगा? GPF का, ये इंगेजमेंट किसका होगा? SPF का, दो इंगेजमेंट अलग हो गया। वापस आ रहा हूं, इस रूम में जितने जन बैठे हुए सबको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है GPF। ओके, ये मैडम को लोन लेना है, ये जब बैंक के पास गई, बैंक ने बोला ओके, इन मैडम को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है लिफो फॉलो करो, कान खुले मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूं, प्लीज गड़बड़ मत करो, इस मैडम को बोला लिफो फॉलो करो, किसने बोला ये लिफो फॉलो करना है? नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है? लिफो। जब ये बैंक के पास गई और बोला लोन चाहिए, तो बैंक ने बोला एक काम करो मैडम, ओके, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना वापस आप रीस्टेट करो, रीस्टेट मतलब वापस बनाओ, और उसमें ना लिफो की जगह फीफो लो, और वो हमें दो, उसके बेसिस पे वैल्यूएशन के बाद हम आपको लोन देंगे। अब ये मैडम ने वापस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट किए और मुझे एज ए ऑडिटर बुलाया और मैंने उसको ऑडिट किया। मेरा क्वेश्चन है, जो रीस्टेट किए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने लिफो की जगह फीफो लिया, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए बने? बैंक के लिए। क्या ये सबके लिए है? क्या नहीं, तो ये कौन सा हुआ? SPF। ओके, SPF, लेकिन उनके और एक सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो इंडेक्स है, जो सबके लिए है, वो कौन सा है? GPF, यानी हर कंपनी के इसमें GPF तो कंपलसरी होगा ही होगा, लेकिन बाहर वाले SPF। इन शॉर्ट मेरे को बताओ, एक समरी कंक्लूड करो, क्या समरी आती है? जो भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या AS है वो GPF है, और जो दूसरे बाहर के स्टैंडर्ड होंगे वो, क्योंकि बाहर के स्टैंडर्ड सब लोग फॉलो करेंगे क्या? नहीं। ओके, वापस सुनो, इधर जितने बंद बैठे हुए हैं, ओके, ये मैडम ने जर्मन गैप फॉलो किया, जर्मन गैप बिकम्स SPF। ओके, इसने US गैप फॉलो किया SPF, इसने यूरोपियन गैप फॉलो किया SPF, समझ में आ रहा है? ओके, यानी जो भी बाहर की चीज है वो क्या बन गई? SPF, और जो अपनी इंडिया की चीज है वो, क्योंकि अपनी इंडिया की चीज सबको एप्लीकेबल होगी। मैं आपको बोल रहा हूं, हर जन फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से बनाएगा? मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे को आप बताओ US गैप से क्यों बना रहे हो आप? कुछ तो कारण होगा। ओके, समझ में आ रहा है? वो कारण की वजह से तुम SPF बन गए,
यानी तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से बने हैं, यानी तुम कितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे? दो। एक में काम नहीं चलेगा तुम्हारा, दो बनेगा। एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ओके, एचयूएल, एचयूएल फुल फॉर्म है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अगर आपको मालूमात होगी, एचयूएल इज ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ यूनिलीवर लिमिटेड लंदन। तो इसीलिए एचयूएल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो सेट बनते हैं। पहला सेट जो बनता है एचयूएल का, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, विच इज बेस्ड ऑन इंडियस। और एक सेट बनता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, बिकॉज उनका उधर का ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर है, ओके। उधर जो बनता है वो और एक सेट बनता है, एंड दैट इज विथ विच गैप, यूके गैप। तो यूके गैप वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से हुए? एसपीएफ। नहीं समझ में आया, आया या नहीं आया तो मेरे को बताओ, ओके। यानी हर कंपनी किसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी? अगर इंडिया की सारी कंपनी की लिस्ट बना दी, सारी कंपनी की लिस्ट बनाई, उनके पास 101% कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फ्रेमवर्क मिलेंगे? जीपीएफ के। एसपीएफ के मिलेगा क्या? नहीं। मिल भी सकता है? नहीं भी। अब मेरे को बताओ, इन्होंने बैंक के लिए जो बनाया वो कौन सा था? एसपीएफ। ओके, ये मैडम को लोन चाहिए था, इनको कौन सा फॉलो करना था? एएस। लेकिन इनको लोन चाहिए था, लोन गौरव से ले रहे। गौरव ने बोला, एक काम करो मैडम, ओके, आपका ये फॉर्मेट है ना, ये मेरे को फॉर्मेट नहीं जमेगा, मेरे को अलग अलग कुछ, मेरे उसके हिसाब से फॉर्मेट मंगाया, और उसके हिसाब से मैडम ने बनाया और मेरे से ऑडिट करवाया और दिया। तो कौन सा फ्रेमवर्क फॉलो किया मैडम ने? एसपीएफ। लेकिन वापस मैं बोल रहा हूं, ये किसके हिसाब से अपन बात कर रहे हैं? ऑडिटर। आप अकाउंट को मिक्स मत करो, अकाउंट के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडेस ही होता है, ऑडिटर के हिसाब से, ओके, अकाउंट्स के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडेस ही होगा, लेकिन ऑडिटर कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडेस नहीं बोलता, ओके, क्या बोलता है? एएफआरएफ। और एएफआरएफ में क्या बोलता है? जीपीएफ। आप समझे? देखो, इसका थोड़ा सा बेसिक रीजनिंग ध्यान में रखो। रीजनिंग क्या है? वी आर इंस्पायर्ड। देखो, वैसे देखा जाए तो अपने जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है ना, वो पूरे कॉपी है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, लेकिन अपनी इंस्टीट्यूट कॉपी करने कर रही है, ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए अपन क्या है? इंस्पायर्ड। वी डिडंट कॉपी, वी, वो बहुत अच्छा था, इसलिए अपन इंस्पायर हो गए। अपन ने समझ में आया, तो अपन कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे यार, अपनी इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे बोलेंगे यार, कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हां, ऐसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, नहीं भाई, अपनी इंस्टीट्यूट नहीं, लेकिन हुआ, वी आर इंस्पायर्ड। तो अब क्या हुआ, जो बाहर के फ्रेमवर्क थे ना, वैसे वैसे शब्दों का प्रयोग इधर किया। अगर आपको कुछ झेप रहा होगा, जब ये स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं, ये स्टैंडर्ड्स बाहर वाले भी फॉलो करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे काम आता है। अब जब ये स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, तो बाहर वालों के लिए भी कंटेंट उसी तरह जाता है। व्हाई दे आर नॉट यूजिंग इंडेस और एएस, दे आर यूजिंग, ओके, जीपीएफ एंड एसपीएफ। व्हाई? नाउ थिंक, फ्रॉम यू आर इन जर्मन, नाउ यू गो इन जर्मन, यू स्टे इन जर्मन, इमेजिन यू आर इन जर्मन, एंड जर्मन के हिसाब से जर्मन गैप बिकम जीपीएफ, एंड फॉर देम इन जर्मनी एनी कंपनी इज फॉलोइंग इंडेस। समझ में आया? तो ये स्टैंडर्ड उस तरह से यूज किए जाते हैं, यानी स्टैंडर्ड इज अडॉप्टेड बाय एनीवन, ही विल बी हैविंग एन आंसर, ओके। अगर अपन ने एएस, इंडेस ऐसे शब्द को प्रयोग किया होता, तो ये स्टैंडर्ड बेंचमार्क नहीं बनते, ये स्टैंडर्ड बेंचमार्क है। बेंचमार्क है मतलब, अगर कोई दूसरी कंट्री अपने स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करना चाहती है, वो अडॉप्ट कर सकती है, इसीलिए, क्योंकि अपने फ्रेमवर्क वैसे दिए हुए हैं। तो अभी कोई दूसरी कंट्री अगर अडॉप्ट करेगी, तो वो जीपीएफ एसपीएफ बोलेगी, तो भी समझ में आ जाएगा उसको, ऐसा चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो जीपीएफ एसपीएफ टर्मिनोलॉजी, वी नीड टू बी इंटर बेंचमार्क। बेंचमार्क मतलब एनीबॉडी कैन इंस्पायर फ्रॉम अस, यू डायरेक्टली कॉपी करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम चाहते ही ऐसा है, क्योंकि अक्रॉस वर्ल्ड अपन कम्युनिकेशन वैसा चाहते, स्ट्रीम सीमलेसली कम्युनिकेशन होना चाहते हैं भाई। जीपीएफ एसपीएफ, भारत माता की जय, जेबा गिरे, अरे हाया ना, पक्का? तो मेरे को बताओ, ऑडिट में अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शब्द नहीं यूज करेंगे, अपन क्या ही शब्द यूज करेंगे? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और वो कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन से? जीपीएफ एसपीएफ। पर जीपीएफ एसपीएफ का डिस्कशन आपके सिलेबस में नहीं है, खाली एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड में है, आपके सिर्फ चैप्टर में, एक चैप्टर में एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड में है। स्टैंडर्ड कौन सा एप्लीकेबल होगा, कौन सा नहीं होगा, उसके ऊपर है, बाकी ज्यादा हेडेक नहीं है, ठीक है, ओके। और कुछ रहा चैप्टर में जाने के बाद, डिटेल में देखेंगे, लेकिन मोटा मोटी अपने को समझना है। यस पंटर, हाँ बोलना, जीपीएफ हुआ, पर वो इंडेस क्यों फॉलो कर रही है? वही बोल रहा है, अगर इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री को पूरा एज इट इज अपन एएस या इंडेस ही होगा, तेरे मर्जी से तू नहीं कर पाएगा, चूज कर सकती है फिर, मतलब उसके लिए जीपीएफ ही हुआ ना फिर, अगर तू दोनों में से ऑप्शन दे रहा है, इसका मतलब जीपीएफ ही है ना फिर, मतलब आइदर यू फॉलो एएस और इंडेस, तो दोनों के लिए क्या रहेगा? डजंट मैटर, जी ही कैन चूज ना फ्रॉम दिस और दिस, ही कैन चूज ना जीपीएफ।
जीपीएफ मतलब इंडस्ट्री फॉलो नहीं करती, वो अलग इशू है, पर फॉलो कर सकती है ना, तो फॉलो कर सकती है मतलब जीपीएफ। आपने ऑप्शन दिया ना, ऐसा है। और अगर अगर देखो एक एक पॉइंट ऐसा भी आता है आपके लिए कि सर मेरे को जीपीएफ बोला है, सॉरी मेरे को इंडेक्स बोला है और मैं एएस फॉलो कर रहा हूं, ये क्या, ये फिर तो गलत ही, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। हाँ लेकिन मेरे को ऑप्शन दिया गया है कि आप दोनों कर सकते हो, तो जीपीएफ ही होएगा। क्या हो गया पंडर, क्या हो, बोलना, डब्बा निकालना है, अरे निकालना फिर, अरे खा भाई कोई टेंशन नहीं है, अरे खा ले, मैं दू डब्बा, ये डब्बा इसमें से ये ड्राई फ्रूट ले, अरे डब्बा सच में बोल रहा हूँ, ले लो ड्राई फ्रूट से, हेल्दी खाता हूँ मैं, डाइटिंग नहीं, डाइटिंग और हेल्दी में फर्क होता है यार, डाइटिंग के नाम पे यार, डाइटिंग ऐसा डाइटिंग नहीं, अपन डाइटिंग नहीं, अपन तो आज तो मैंने घर पे छोला भटूरा बनाने बोला, छोला भटूरा खाऊंगा मैं अभी। हाँ तुम लोग भी आओ बिंदास, सन ऑर्बिट डालने का, सन ऑर्बिट डालने का और पहुंच जाने का बिल्डिंग के एंट्री में कहा, हाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है, मैं मेरे को थोड़ा बनाना है वो है, हाँ अकाउंट्स के लेक्चर में छोड़ने आना पड़ेगा, पिकअप एंड ड्रॉप सर, हाँ ठीक है आ जाएगा, ड्राइवर भी है, भाई ज्यादा ज्यादा 6-7-7-8 जन 8-10 जन को ठूस सकता हूँ मैं रैंगलर गाड़ी में, वैसे ज्यादा नहीं, वो इधर नहीं आएगी, वो रैंगलर में ठूस सकते अपन 10-12-12-15 जन को तो ठूस ही सकता हूँ मैं, थपा थप थपा थप ऐसा। मैं जब भी बात करूंगा जीपीएफ और जब भी बात करूंगा एसपीएफ, ये सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर के एंगल से होगा, लेकिन अपन मेन शब्द कौन सा यूज करेंगे बार बार ऑडिट में पूरे, एएफआरएफ। बट आपको जीपीएफ और एसपीएफ का नॉलेज होना जरूरी है, इज अ पॉइंट क्लियर, इधर तक फ्रीज करें, ठीक है। ऑडिट एविडेंस कैसे होने चाहिए, सफिशियंट एंड एप्रोप्रिएट, आराम से जाओ। देखो क्या होता है, मैं थोड़ा सा अगर आप नोट करोगे, मैं थोड़ा सा वैसे, मैं यूजुअली मेरी बोलने की हैबिट बहुत ज्यादा है, मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, तो बहुत ज्यादा बोलता हूँ, तो मेरी स्पीड इज रिलेटिवली फास्टर देन यू, तो यूजुअली क्या होता है मैं स्पीड में बोलता हूँ, पर स्पीड में बोलूंगा तो भी आप देखोगे नोट करोगे तो आप रिपीटेटिव करता हो, तो रिपीटेड कभी कभी ऐसा भी होता है आपका एक वर्ड निकल गया, अरे क्या बोला इस बड़बड़ ने, लेकिन दूसरी तीसरी बार में आपको वो मालूम पड़ जाता है क्योंकि मेरे रिपीटेशन ज्यादा होते हैं, तो वो उसको कंपनसेट करता है। दिस हाउ माय हैबिट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर केम इनटू पिक्चर, और मैं बीच में कोशिश भी किया मैं स्लो बोलने की, फिर मैं अपने आप को ही मिस कर गया। ओके एफ आर एफ ऐसा होने के बाद ना मेरे को समझ में मैं क्या हूं, तो मेरा पिच अप डाउन ज्यादा होता है, पिच अप डाउन ज्यादा होता है मतलब बोलने की फ्रीक्वेंसी अप डाउन ज्यादा होती है, ऐसे ये सब सिनारियो होते हैं। तो अगर आप ऐसे बोलते हो ना तो आप टेंशन मत लो, आप थोड़ा सा ऐसे याद करके बोल रहे हो तो आप ऐसे एक्सपेक्ट मत करो कि मैंने पूछा और आपको एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आए, ठीक है टाइम आ रहा होगा तो बोलो पर रिस्पॉन्ड, क्योंकि आप जब करोगे तो मतलब आपसे ज्यादा मेरे को मजा आएगा, तेरा तो मजा छोड़ दे, क्योंकि मेरे को ये कब मजा आता है मेरा मतलब, इवन तू देख ले सुबह भी देख ले और अभी भी देख ले, एंड इट इज और ऐसा तू कहीं पर भी नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं रहेगा सुबह तू मेरे को अलग देखेगा, अभी भी मेरा वैसे ही रहेगा, मैं वैसा ही हूँ अभी भी, वैसे ही वैसा ही है, पर मेरे को जब तू इंटर करेगा ना तो मेरा नॉलेज डिलीवरी जो मेरे लिए मैं जिस के लिए बनाऊ वो बहुत सही तरह से हो पाएगा। बाकी तो बुक का तो कंटेंट अपना खत्म ही होने वाला है, बुक का कौन सा पॉइंट बचने वाला, बुक का कोई इशू ही नहीं है मेरे को, मेरे को बस नॉलेज का पॉइंट है वो स्ट्रक्चर वाइज रखो। तो बाई चांस आप बोलते बोलते अभी ये लोग जानते तो इसलिए इन लोग को मालूम है, मतलब जो ये स्टार्टिंग में लॉ वाला इनको मालूम है कि भाई हाँ ये थोड़ा सा, तो जो आ रहे नए मतलब बोला ना तो बोलो बोलो मैं वेट कर रहा हूँ, बाद में बोला ना मतलब मैं हो सकता है मैं अगले समय तू तब आ रहा तब तुम्हारा तो डेटा थोड़ा और लेट प्रोसेस हो रहा होगा, प्रोसेस होना इशू नहीं है बट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। बस मेरे को बस यही है कि मेरा टारगेट क्या है कि आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट अडॉप्ट हो रहा है, ठीक है उसकी क्वेरीज शायद 2 मिनट के बाद आए, उसकी क्वेरीज 5 मिनट के बाद आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूछो ना कौन सा क्या है अपना ही है। तो अभी कहानी को इस तरह से बढ़ाते हैं, एविडेंस ऑडिट एविडेंस कैसे होना चाहिए, तो मेरा क्वेश्चन है ऑडिट एविडेंस किससे मांगोगे, क्लाइंट मतलब कौन, कंपनी मतलब कौन, कंपनी मतलब ऐसा जिधर बोर्ड लगा होगा, ऐसा बोर्ड लगा होगा ऑडिट बनते रहे ऐसा, अरे हाथ में फिर तेरे को बोतल पकड़नी पड़ेगी, धन्ना ऑडिट एविडेंस किससे मांगेगा, ऑफिसर इंचार्ज, एक वर्ड आया ऑफिसर इंचार्ज, डायरेक्टर ये तो खतरनाक है, ये तो अरे चेयरमैन मुकेश अंबानी घर पर क्या बैठा है,
रिलायंस क्या तूने क्या खरीद लिया क्या हमको? हो गया मोदी जी तेरे साथ, लेकिन मैं भी ऑडिटर है डायरेक्टर को और डायरेक्टर बोले तो एमडी भी आता है, डिपार्टमेंट इंचार्ज ऑफिसर, अकाउंटेंट, फैक्ट्री से कुछ लेना है इन्फॉर्मेशन तो जैसे इन्वेंटरी का, तो फैक्ट्री मैनेजर, इन्वेंटरी मैनेजर, जो कुछ ना कुछ मैनेजर होंगे। अब दो शब्द आखिरी पढ़ाओ, इधर अपन ये बेसिक्स को एंड कर देंगे। ओके, दो शब्द आप आराम से याद रखना, दो शब्द, प्लीज अंडरस्टैंड दिस शब्द वेरी क्लियरली। दो शब्द ले रहे हैं, एक है मैनेजमेंट और एक है TCWG, एक है मैनेजमेंट और एक है TCWG। मैनेजमेंट TCWG का फुल फॉर्म क्या है? दोज हु आर चार्ज्ड विथ गवर्नेंस, दोज हु आर चार्ज्ड विथ, सर गवर्नेंस मतलब ट्रांसपेरेंसी, रिपोर्टिंग। कंपनी को ट्रांसपेरेंट रखने की जिम्मेदारी किसकी? डायरेक्टर्स। कंपनी की रिपोर्टिंग करने की जिम्मेदारी किसकी? डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर को रिपोर्ट कौन करता है? डायरेक्टर। मेरे को बता फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको कौन भेजेगा? डायरेक्टर। मतलब ले डाउन कौन करेगा, अप्रूव कौन करेगा? डायरेक्टर्स। बोर्ड रिपोर्ट के बिना काम नहीं होगा। तो TCWG का फुल फॉर्म दोज हु आर चार्ज विद गवर्नेंस, जिसके अंदर बोर्ड आता है, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और एक आता है ऑडिट कमेटी, और एक आती है ऑडिट कमेटी। अब ऑडिट कमेटी क्या होती है अपन एक चैप्टर में देखेंगे कंपनी ऑडिट के, जिसमें सेक्शन 177 है, वैसे आपके सिलेबस का नहीं है लेकिन उसके अंदर स्ट्रक्चर, ब्रीफ स्ट्रक्चर है डिस्कशन में। एक ऑडिट कमेटी है जो, यानी मैं जो ऑडिट कमेटी भी बोल रहा हूं, अगर आपने नोट किया होगा, और कमेटी बनती है लॉ में, जो भी कमेटी बनती है वो किससे बनती है? बोर्ड से। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से ही यहां पर कौन आएंगे? ऑडिट कमेटी आएगी। तो उनमें से कुछ लोग हो गए ऑडिट कमेटी में, तो ये लोग हो गए TCWG। क्या हो गए ये? TCWG। TCWG का फुल फॉर्म वापस, दोज हु आर चार्ज्ड विद गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब पावर, पावर से ज्यादा और गवर्नमेंट नहीं होता ये, गवर्नेंस अथॉरिटी, अथॉरिटी रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी। गवर्नेंस इज ऑलवेज ट्रांसपेरेंसी। इफ आई एम सेइंग कि भाई मेरी कंपनी के पास बहुत अच्छा खासा गवर्नेंस है, इसका मतलब मेरी कंपनी बहुत ट्रांसपेरेंट है। समझ में आ रहा है? अरे हाय आना एवरीबडी। तो दिस इज वॉट वी कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। TCWG, TCWG का फुल फॉर्म दोज हु आर चार्ज विद गवर्नेंस। और इसके साथ में और एक नाम क्या दिया? मैनेजमेंट। अब वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस? मैनेजमेंट मतलब जो रोज के रोज काम करता है, ओके, और TCWG मतलब बोर्ड, ये रोज के रोज काम करती है कभी कभी। मैंने क्या बताया, मतलब अगर आप मालूम होगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब मिलते हैं साल में, कितनी बार मिल सकते हैं? मिनिमम मिलना चाहिए चार बार मिनिमम मिलना चाहिए, उससे ज्यादा वो मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा हर महीने 15 दिन 5 दिन में, चल रोज मिलते हैं। ओके, बूझो जिंदगी जियो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ओके, ऐसा नहीं होगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, तो इसमें अब मेरा क्वेश्चन है, ऑडिट एविडेंस ऑडिटर किससे मांगेगा? आप जब भी पूरा ऑडिट पढ़ोगे, यानी आगे के ऑलमोस्ट 50 डेज तक आप ऑडिट एविडेंस किससे मांगोगे? दे माय, ये किससे कहा जाके करोगे? और मैं आपको ये बता रहा हूँ, HUL में हम लोग ऐसे ही करते थे। स्टार्टिंग में मेरे को भी एक्सपीरियंस नहीं था, मैं पहली आर्टिकल शिप अपनी किसके पास हुई? बापू के पास, पापा। तो इन शॉर्ट पापा के पास हुई, मतलब गलत है, ये इट इज लाइक चोरी एंड खुशी ढापना। पापा के पास है, पापा के पास है, तो पापा का कहना था कि बेटा पहले पास हो जा, फिर काम कर लेंगे। इट इज नथिंग टू डू विद डमी, डमी नहीं होता ये डमी नहीं होता है, प्लीज अंडरस्टैंड। पापा के पास करना डमी नहीं होता है, ये होता है कि बेटा तेरी घर पे भी मार रहा हूं, ऑफिस में मारूंगा। मतलब देखो, अगर ऑफिस में रहता तो जिंदगी थोड़ी सी अलग, मतलब थोड़ा सा अलग से हो, अभी इधर भी क्या करेंगे, तो घर पे मतलब पूरा दिन मरवाओ। बट टू बी एक्सटेंड, मतलब इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया, काम नहीं किया, ठीक है, काम हुआ नहीं, किया नहीं, कभी किया नहीं। वो होने के बाद जब 3 साल खत्म हो गए, लेकिन CA बना नहीं था, CA में क्योंकि मेरे को अटेम्प्ट मल्टीपल लगे, तो 3 साल तो हो गए थे आर्टिकल छिप के बाद। उसके बाद फिर मैंने एक पापा ने एक फॉर्म थी गुप्ता माहेश्वरी जैन, वहां पर प्रभात माहेश्वरी सर करके जो CS वाले हैं, उनके पास 1 साल CS में काम किया, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, यानी 1 साल पूरा काम, ओके, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग, वो रजिस्टर, वो पुराना वाला कॉन्सेप्ट, मतलब वो पूरा बकायदा फॉर्म भरना, कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना, CS, मतलब ऑलमोस्ट CA, पूरा CS का काम। फिर उसके बाद CA बन गया, CA बनने के बाद जब मैं शिफ्ट हुआ तो पहले PwC में आया, इस तरह से वो कहानी बढ़ती गई। अब जब मैं ऑडिटर में, मतलब PwC में आया, इन शॉर्ट मैंने लाइफ में पहली बार ऑडिट किया,
और मैं आपको बता दूं मेरा इंटरव्यू में एकदम क्लियर था, मतलब अभी आज ये पूछ रहा था सर कि 5 अटेम्प्ट लग गए और आप पीडब्ल्यूडी में कैसे सिलेक्ट हुए, मेरे को भी नहीं मालूम। अरे सच्ची बोल रहा हूँ, मतलब कभी अगर इंटरव्यू, मतलब एक आध दिन आएगा किस्सा सुनाऊंगा इंटरव्यू का, पीडब्ल्यूडी का बहुत बहुत तोड़ किस्सा है, और उसके पहले मैंने 50 इंटरव्यू दिए होंगे, 50+, मतलब कसम से, इट इज नॉट प्रिविलेज, ऐसा ऐसा था नहीं। मेरा 17 जनवरी को रिजल्ट आया, शायद 20 जनवरी के बाद मेरा फर्स्ट इंटरव्यू आया, तभी आज के डेट में कैंपस इंटरव्यू है तुम्हारा। मैं 2005 की बात कर रहा हूँ, 2006 की, तब कैंपस इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, तब इंस्टीट्यूट रिजल्ट शेयर करती थी फर्म्स को, और फर्म्स के कॉल आते थे आपको, और कॉल आया किस्मत तुम्हारी, तो डेलोइट्स का मेरा पहला कॉल डेलोइट्स का आया था, तो डेलोइट्स का जब पहली बार कॉल आया, डेलोइट्स का मतलब डेलोइट्स बिग फोर का वो है, तो डेलोइट्स का फोन आया और चेंबूर में ऑफिस था, तो चेंबूर में बुलाया, तो मतलब तभी तो ऑल टुगेदर जब रिजल्ट आया, उसके बाद तो जीएमजी भी छोड़ दिया, उसके बाद तो मैं घर पे ही था, क्योंकि अपने को अभी जॉब, अभी तो पगार ना भाई, अभी तक तो पंचायती कर रहे थे, अभी तो पगार के ऊपर फोकस करेंगे। फिर डेलोइट्स के ऊपर इंटरव्यू के लिए गया, तो इंटरव्यू मतलब कॉल आया था उनका, तो बोले कल सुबह 10 बजे आप फ्री है क्या, मैं मन में बोला पूरा फ्री है, ओके तुम बोलो कब आने गए, तो ये कॉन्टेक्स्ट से नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10 बजे का इंटरव्यू गया, 10 बजे गया, 10 बजे जाने के बाद जब डेलोइट में पहुंचा, तो सबसे पहले तो उन्होंने मेरे को बिठाया, और बिठाने के बाद ऐसा वो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कुछ होता है, वो टेस्ट करवाया, पहली बात तो ये सोच रहा था मां कसम सीए बन के आया हुए, वापस टेस्ट क्या दे रहा है, फिर भी टेस्ट वेस्ट ऐसा जो भी, उसमें भी बहुत पंचायती हुई, बट फाइनली मतलब आई वेंट टू ए पार्टनर रूम, पार्टनर रूम में जब इंटरव्यू के लिए गया तो बहुत सारे फ्रेमवर्क थे, मल्टीपल क्वेश्चन वेशन ये हुए, और उसके बाद लास्ट में ये बोला विल गेट बैक टू यू, और टिल डेट वो कभी नहीं आए। ऐसे 50+ इंटरव्यू दिए होंगे मैंने, 50+, मैंने naukri.com डाला, monster.com डाला, तभी तो 2-3 वेबसाइट ही थी, ऐसे इतना फ्रीक्वेंट वेबसाइट नहीं था, सब जगह मतलब सब जगह ट्राई करा, हर जगह हाथ पैर, पापा के पास काम नहीं करना था, ये मेरा D1 से प्रिंसिपल क्लियर था, पापा के प्रिंसिपल, पापा बहुत इथिकल पर्सन है मेरे, मेरे बापू बहुत बहुत हाईली इथिकल है, हाईली मतलब एकदम हाईली इथिकल, वो भगवान ने कुछ एक नमूना भेजता है ना, वो भगवान ने एक नमूना इथिकल का, अभी अपन जिस संसार में रहते उसमें मॉडिफाइड होना पड़ता भाई, पर वो अपना एक अलग ही बापू एकदम नमूना है, वो मतलब आज तक भी मेरी बुक्स में तो कुछ एक पॉइंट निकल के दिखा, मतलब साला एक खर्च अगर कुछ मैंने किया होगा उसका GST क्लेम नहीं करने देता मैं, अगर ये अभी ये घड़ी अपन का खरीदा होगा ओके जिसे GST लेके अपन GST क्लेम कर, मैं बोला कर ना भाई बाद में देखते हैं, मेरा बापू बोला तू करके तो दिखा, सुमित को बोलते हैं, और जबकि बापू का सोडियम भी गया हुआ है, और सोडियम गया मतलब उनका बैलेंस कभी कभी उड़ जाता है, तो उसमें भी उनका ध्यान रहता है, फिर बाद में मतलब वो ज्यादा करके ख्याल ध्यान रहते हैं, फिर मेरे को हमेशा बोलते रहते काहे के लिए मगजमारी करने का, कल अपनी नौबत ही क्यों आनी चाहिए, कल वो मेरे को बुलाए, और बुलाए भी तो अपने को डर नहीं होना चाहिए कि मैं क्या दिखाऊं, नहीं है क्लेम तो नहीं है, खत्म कर, ओके पर्सनल खर्चा ड्राइंग में डाल, कैपिटल टूट रहा टूटने दे, मत कर फिर, उनका ज्ञान तो ये हमेशा ही रहता। तो ये सारी प्रिंसिपल में 51 कंपनी के बाद फिर पीडब्ल्यूसी का इंटरव्यू आया, और पीडब्ल्यूसी का इंटरव्यू जब आया तो पहली बार मैंने आशा रामनाथन मेरी जो ये थी जिसके अंडर मैं काम कर रहा था जो एसोसिएट डायरेक्टर, उसको मैंने क्लियर बोला था कि मेरे को अदानी ऑडिट्स, एंड आई वॉज वेरी क्लियर टू हर, क्योंकि किया ही नहीं काम ना, इसके पहले जो मेरा एक्सपीरियंस था वो खाली सीएस के लिए रहा, तो उसने जब मेरे को समझाया था तो बोले टेंशन मत ले ऑडिट ये हम पूरा ट्रेन कर देंगे, और ट्रेन भी किया, पूरा ट्रेन किया, पूरा नॉलेज आया सब कुछ आया, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं अपन जितना आसानी से ये चीजें समझते ना उतना आसान नहीं रहता अपना जो ये आज मैं मतलब आप ऐसा थोड़ा प्रिविलेज है 40 साल की उम्र है ओके बड़ा दिखता हो ऐसा सिनेरियो है, अरे तुम यंग जनरेशन है, तुम जिस दिन सीईओ हो जाओगे तुम इमेजिन करो तुम एक कंपनी में जाओगे और बोलोगे मुझे डॉक्यूमेंट दे, और उधर बैठा हुआ बंदा रहेगा 50 साल वाला, उसका एटीट्यूड ईगो प्रॉब्लम आता भाई, अरे 50 साल तू इमेजिन कर, तू मैं एक कंपनी हूं एग्जांपल ले ले ओके जेडी एकेडमी तू ऑडिट कर रहा है, तू 20 साल का 20-21-22 साल में तू सीए बन गया और तू आके बोल रहा है मेरे को डॉक्यूमेंट दे, बोले प्लीज गिव मी ए डॉक्यूमेंट, ईगो हटो तो भाई हे कौन बे, अबे कल का आया हुआ मेरे से आगे जा रहा, समझ में आ रहा है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसलिए एविडेंस मिलने में बहुत दिक्कत होती है, तो हम लोग हमेशा यही बोलते हैं मतलब जब भी एविडेंस मांगने जाना होता ना दया माई कटोर लेके निकलो, मतलब मेरा एक इमीडिएट सुपरवाइजर से ज्यादा सीनियर था इमीडिएट ओके प्रबोध धनावड़े करके, बहुत तोड़ खास दोस्त हूँ अपना, वो एकदम अपना मतलब बहुत अच्छे से मतलब उसने बहुत संभाला, हमेशा ये बोलता था जा भाई कटोरा लेके जा जा, और हमेशा आंसर एक ही मिलता था कल देता हूँ ओके मतलब तुम मेरे मांगना है मैं बोलूंगा कल देता हूँ एविडेंस, तुम मांगना है कल देता हूँ, कल वापस आएगा खड़ा रहेगा उधर ये एविडेंस है ना कल देता हूँ, ऐसे करके 5-6 दिन निकल जाएंगे, और अपना सीनियर अपने को गाली देगा एविडेंस क्यों नहीं लाया, अपन उसको गाली देवे वो उसकी सटक जाएगी, फिर और ईगो पिक्चर में आएगा, फिर वो अपने ग्रुप बना लेगा जो कंपनी के ग्रुप है ना क्लाइंट के एक्चुअल बड़ी कंपनी है वो अपने ग्रुप बना देता है, वो कोई देता ही नहीं दूसरा भी, फिर कंप्लेंट सब मिक्स मैच,
तो इविडेंस मांगने के लिए ऑडिटर किसके पास जाएगा? ये जाएगा मैनेजमेंट के पास। टीसीडब्ल्यूजी से इविडेंस नहीं मांगा जाता है। फिर टीसीडब्ल्यूजी के पास कब जाता है? अगर इससे कोई दिक्कत आई, इसने कुछ कांड किया, ओके, हम इसके ऊपर वाले के पास जाएंगे, फिर टीसीडब्ल्यूजी। याद रखिए, टीसीडब्ल्यूजी के पास तेरा मन उठा के, तेरा मन किया आज मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलता हूं और जाता हूं, ओके, ऐसे नहीं जा सकता भाई। तेरे को हर रोज किससे मिलना पड़ेगा? मैनेजमेंट। हर रोज इविडेंस किससे लेने पड़ेंगे? मैनेजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन देगा? मैनेजमेंट। सारी चीजें कौन देगा? मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट अगर कुछ रोक टोक कर रहा है, तोड़ दो दरवाजा कर सकता है क्या? नहीं। पर तेरे पास ऑप्शन रहेगा, तू किसके पास जा सकता है? टीसीडब्ल्यूजी। और अगर तू बोल रहा है टीसीडब्ल्यूजी भी उनसे मिला हुआ है, यानी बोर्ड पूरा मिला हुआ है, फिर तेरे पास ऑप्शन एक ही है, रिपोर्ट। शेयर होल्डर को बता दो तुमने मुझे अपॉइंट किया था, लेकिन ये लोग साले गधे लोग हैं जिसको तुमने अपॉइंट किया। फिर बाद में वो, मतलब तू अपने आप को भी गधा बोल, क्योंकि तेरे को भी उसने अपॉइंट किया। ओके, ये इस तरह से चक्रव्यूह होता है। तो याद रखना, जब भी अपन ऑडिट की बात करेंगे, ओके, ऑडिटर किसके पास जाता है हमेशा मांगने? मैनेजमेंट। और अगर वो कुछ इशू आता है, कुछ भी इशू आया, किसके पास जाएगा तू? क्या टीसीडब्ल्यू के पास तू रोज रोज जा सकता है? नहीं, कभी कभी है। अब ये कभी कभी कौन बताएगा मुझे कब जाना है, कब जाना है? तो जब मैनेजमेंट दिक्कत करेगा, मैनेजमेंट छोटी मोटी दिक्कत करेगा। तो अभी एग्जांपल, आज बंद था पुणे, पुणे बंद है इसलिए निकल आना। अभी तू बोला आज चीज चाहिए, मैं जा रहा टीसीडब्ल्यू के पास, ऐसा होएगा क्या? ये पॉइंट है। तो अपनी आईसीआई को पता है अपन लोग कैसे है, इसीलिए आईसीआई बोलती है भाई रुको रुको, अपना दिमाग मत लगाओ, मैं एक स्टैंडर्ड दूंगा इसके लिए और तेरे को बताऊंगा कौन से सिनेरियो में टीसीडब्ल्यू के पास जा सकता है। यानी याद रखना, टीसीडब्ल्यू के पास जाने के लिए हमको क्या फॉलो करना पड़ता है? स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड के अंदर के क्राइटेरिया बेटर है और तुम उसके बाद ही टीसीडब्ल्यू के पास गए और उसके बाद कुछ इशू आए, आईसीआई तुम्हारा साथ देगी। अगर इसमें वो पॉइंट नहीं है और तू हीरो टीसीडब्ल्यू के पास गया और कल कुछ इशू आया, टीसीडब्ल्यू ने तेरे अगेंस्ट क्लेम किया, कुछ भी इशू आया, बहुत सारे लाइबिलिटीज आती है ऑडिटर के पास, वो आया, आईसीआई तेरा साथ नहीं देगी, क्योंकि आईसीआई बोलेगी तूने, मैंने जो बोला वो तूने नहीं किया। तो तेरे को प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है, याद रखना। तो मैं हमेशा, मैनेजमेंट के पास कब जाना है इसका कोई डिस्कशन नहीं। अरे पूरा दिन मैनेजमेंट के साथ ही रहेगा तू, तेरी जिंदगी किसके साथ निकलने वाली है? मैनेजमेंट। लेकिन किसके पास बार बार नहीं जा सकता तू? तो उधर जाने के लिए कौन बताएगा? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड 260 अपने को बताएगा, 265 अपने को बताएगा कि कब कब जाना है। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके सर, अब मेरा क्वेश्चन है, डायरेक्टर किस में आएगा? मैनेजमेंट में। टीसीडब्ल्यू दो आर चार्ज विद गवर्नेंस। ओके, ऑडिट कमिटी टीसीडब्ल्यू। ओके, एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट, एक प्यून, एक स्टाफ, एक फैक्ट्री मैनेजर, एक ऑफिसर मैनेजमेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी इज ए मैनेजमेंट बिकॉज वो काम करता है, ही इज एन एम्प्लॉय देयर, ही गेट द सैलरी, वो मैनेजमेंट हुआ। यानी याद रखना, एमडी से मांगने के लिए इविडेंस हिचकिना हिचकिचाना नहीं। सीईओ मैनेजमेंट, अरे सी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय बन गया वो मैनेजमेंट बन गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रॉफिट लेके जाता है। इज अ पॉइंट क्लियर? अरे हाँ या ना, पक्का झेपा? यहां तक की अपनी कहानी खत्म हो जाती है, यहां तक ये बेसिस है जो अपन ने स्टार्ट किया। तो अब इसमें से कीवर्ड, मैंने बोल रहा हूं, मैंने ऑडिट समझाया, कुछ किया है, आप वापस मैं बोल रहा हूं, प्लीज मेक इट श्योर यू आर नॉट, अपन ने कोई चैप्टर किया है ऐसा कुछ नहीं, बट अपन ने बेसिक्स और इंट्रोडक्शन पूरा कवर किया है। अब कल से जब आएंगे तो कुछ शब्द, मतलब अभी खत्म है ऐसा नहीं है भाई, अभी मैं चैप्टर का स्ट्रक्चर और अपन वो ये इसके नोट्स खत्म करो। ये कॉमन पूल अपन ने आज क्या खत्म किया मालिक? कॉमन पूल। क्या खत्म किया मालिक? कॉमन पूल। अब ये कॉमन पूल का मतलब क्या है? ये हर चैप्टर में कॉमन है, काम आएगा। यानी ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर में काम आने वाला है। मैंने अभी आज आपको जो जो चीज पढ़ाई है, आपको हर चैप्टर में इसके शब्द के जिक्र मिलेंगे, इसके कॉन्सेप्ट के जिक्र मिलेंगे, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, ओके, जैसे ही ये शब्द का जिक्र आए, ओके, जब जिधर जिधर आएगा, मैं मीनिंग एक बार इधर लिखा दे रहा हूं, यानी जिधर जिसका कंटेंट है मैं अपन इधर लिख रहे हैं, लेकिन जब जब इसके कंटेंट वापस लिखने को आएंगे आगे के चैप्टर में, मैं कंटेंट पूरा नहीं लिखूंगा, रिफर कॉमन पूल पॉइंट वन, रिफर कॉमन पूल पॉइंट टू। कुछ समझ में आया? यानी लिखेंगे कितनी बार? ये एक बार, लेकिन इसको रेफर अपन बार बार, लेकिन रेफर करते वक्त बार बार लिखेंगे नहीं। तुम समझे ये कॉमन पुल? इन शॉर्ट समझा कॉमन पुल का पॉइंट का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि लिखने का काम कम होता, फर्स्ट थिंग। सेकंड, कॉन्सेप्ट एक बार समझ गया, ये बेसिक बैकग्राउंड में वैसे भी चाहिए अपने को, और बैकग्राउंड समझ गया तो जा सकते हैं। अभी सर अपन ना ऑडिट क्या है क्या नहीं है ये समझा, अरे चैप्टर चालू होगा तब देखते ना, पर मोटा अबे वो ऑडिट क्या है समझना छोड़ दो भाई, पूरा ऑडिट का लॉजिक तो तेरे स्ट्रक्चर बैठ चुका है अभी तेरे दिमाग में।
और देखो अगर मैं 9-10-12 चैप्टर का लॉजिक बताऊ ना तो स्ट्रक्चर पूरा बैठ जाना चाहिए, बात खत्म। तो सबसे पहले अपन को स्ट्रक्चर वाइज ये लॉजिक बैठाओ, ओके। इसके बाद एक बार खाली ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि चैप्टर कौन से है, उसके बाद एक नोट्स अपडेट कर देते हैं। मतलब ये अभी अपन पहले मतलब ये लिख देते कॉमन पूल वाला, फिर अपन चैप्टर का स्ट्रक्चर बैठा देते हैं और उसका एक स्ट्रक्चर जो कुछ चैप्टर कितने मार्क्स का क्या है वो अपन अपडेट कर देते हैं, ओके। तो सबसे पहले कॉमन पूल डाल दो हेडिंग मालिक, सीक्वेंशियली जाना है, कोई चेंज नहीं करना है सीक्वेंस को। कॉमन पूल फर्स्ट, फर्स्ट आर ए शॉर्ट फॉर्म डैश रीजनेबल एश्योरेंस, डैश इट इज हाई लेवल एश्योरेंस, it is high level assurance but not an absolute assurance, dot ब्रैकेट में डाल देना कितना अपन यूज करेंगे अभी परसेंटेज के लिए, ओफू ब्रैकेट में ओफू डाल दोगे आरए का, कितना डालोगे अपन 96% इज रीजनेबल आरए, 4% इज डैश, इसको अपन बाद में फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे क्योंकि 4% भी तो कुछ होना चाहिए ना, 100% नहीं होता ना लाइफ में, तो 4% कुछ तो होगा, 4% देखेंगे कभी, आप बताना मेरे को, आप ही बताना 4% क्या, कभी जिस दिन आपको लगे हाँ भाई मेरे को ये नॉलेज आ गया है आप अपडेट करना मुझे 4% क्या है, ठीक है। सेकंड एफएस डैश फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डैश इट इंक्लूड्स क्या लिखोगे, चार चीजें, बैलेंस शीट पीएनएल कैश फ्लो एंड नोट्स, नोट्स गड़बड़ मत करना, सुनो खत्म मत करो अभी तक, सुनो ओके अभी तक मत करो, ओफो सेकंड पॉइंट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओफू, ओके फर्स्ट क्या है मेरे को पता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा आपने, पहले एक एक नाम बोलो, बैलेंस शीट बीएस है, बीएस को हम लोग बोलेंगे ओके बीएस आराम से, बीएस को हम लोग बोलेंगे अकाउंट बैलेंस, ओके ऑडिट टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है अकाउंट बैलेंस, अपन बैलेंस शीट नहीं बोलते, अपन बोलते हैं अकाउंट बैलेंस इंडिविजुअल आइटम, यानी अगर मैं बोलूंगा ओके इन्वेंट्री चेक कर, मतलब क्या चेक कर रहा है, अकाउंट बैलेंस चेक कर रहा है, अगर मैं बोलूंगा फिक्स एसेट चेक कर तो क्या चेक कर रहा है, अकाउंट बैलेंस चेक कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ डेटर चेक कर, अकाउंट बैलेंस चेक कर रहा है, ओके मैं बोलूंगा सन्ड्री क्रेडिटर्स चेक कर, अकाउंट बैलेंस, तो ये हुआ बैलेंस शीट। दूसरा क्या हुआ, पीएनएल, पीएनएल को हम लोग बोलते हैं सीओटी क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, क्या बोलते हैं क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, ओके ये पीएनएल बोलो या कैश फ्लो बोलो दोनों सेम आता है, सीओटी क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, इधर पॉइंट क्लियर, यानी अगर मैंने बोला सैलरी चेक करनी है तो तू क्या बोलेगा, क्या चेक करना है, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन चेक करना है, मैं बोलूंगा तेरे को सेल्स चेक करना है तो क्या बोलेगा, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन चेक करना है, इधर पॉइंट क्लियर, तो सैलरी चेक करनी है, सेल्स चेक करना है, परचेस चेक करना है, ये क्या हो गया क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, ओके कैश, कैश चेक करना है, अकाउंट बैलेंस, समझ में आया, ओके अब मेरे को बता पीएनएल हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ओके अब क्या बचा, कैश फ्लो भी हो, कैश फ्लो साथ में ही, कैश फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, नोट्स, ओके नोट्स को अपन क्या बोलते हैं, नोट्स को हम लोग यूज करते हैं वर्ड डिस्क्लोजर,
डिस्क्लोजर, यानी अगर मैंने बोला रिलेटेड पार्टी चेक करना है, डिस्क्लोजर चेक करना है. ओके, मैंने बोला तेरे को के कंटिंजेंट लायबिलिटी चेक करना है, डिस्क्लोजर. यानी आप याद रखना शॉर्ट फॉर्म ए बी सी डी. व्हाट इज ए बी सी डी? ए बी अकाउंट बैलेंस, सी क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, एंड डी डिस्क्लोजर. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी बोला तो एबीसीडी आ गया. फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करना, ये ओफू के हिसाब से मैंने बताया. फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने जब बोला तो एबीसीडी मत लिखना, ये ओफू लिखा मैंने. इज दैट पॉइंट क्लियर? तो ये किधर यूज करेंगे? जब ऑडिट एविडेंस लेने की कोशिश करेंगे तब का है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है. तो मैं एबीसीडी जब भी बोला तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, डिस्क्लोजर. अकाउंट बैलेंस मतलब बैलेंस शीट के आइटम्स, बैलेंस शीट के आइटम्स. क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब पीएनएल के आइटम्स, और डिस्क्लोजर मतलब नोट्स. भारत माता की जय, जेबा मालिक है एवरीबॉडी, पक्का लॉजिक. ठीक है, ओफ अपडेट मार दिया, मार दिया ये. ठीक है, थर्ड मिसस्टेटमेंट, मटेरियल बाद में वर्ड, मिसस्टेटमेंट अपन यूज करते मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मिसस्टेटमेंट. थर्ड पॉइंट मिसस्टेटमेंट डैश, इट रिफर्स टू स्टेटमेंट, इट रिफर्स टू स्टेटमेंट, इट रिफर्स टू स्टेटमेंट व्हाट इट शुड बी, इट रिफर्स टू स्टेटमेंट व्हाट इट शुड बी एंड व्हाट इट इज. What it is, it refers to a statement, what it should be and what it is, comma, difference in both, comma, difference in both. Agla word, teesra point misstatement ho gaya, chautha point misstatement ke saath mein kaun sa word hai? Material, material misstatement mat bol, material, material bol matlab kya hai, ye to answer likhi sakta hai tu, material, materiality, materiality. Fourth point is materiality. It means amount which influence economic decision of users of financial statement. It means amount which influence, it means amount which influence economic decision, economic decision of users of financial statement FS. Pachwa, F and E, fraud and error, F and E, fraud and error. Fraud is intentional and error is unintentional. Fraud is intentional and error is unintentional. चलो एक चीज मेरे को क्लियर करो, एक छोटा सा और एक पॉइंट मेरे को बताओ, कौन से ऑडिटर किसमें इंटरेस्टेड है, मिसस्टेटमेंट में या मटेरियल मिसस्टेटमेंट में? मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मिसस्टेटमेंट होने के कारण फ्रॉड एंड एरर. ओके, यानी इसका मतलब आपका लॉजिक ऐसा जा रहा है कि अगर कोई मिसस्टेटमेंट हुआ जो मटेरियल नहीं है, उसको आप इग्नोर करोगे या किसी की नजरों के सामने लेके आओगे? मैं क्या बोल रहा हूं, मिसस्टेटमेंट है जो मटेरियल नहीं है, स्टेटमेंट सुनो, मटेरियल नहीं है मतलब मैटर नहीं करता है, क्या वो शेयर होल्डर को बताओगे या इग्नोर करोगे? इग्नोर करेंगे कि बताएंगे? मिसस्टेटमेंट मटेरियल नहीं है, यानी एग्जांपल एक करोड़ में एक दस करोड़ में दो रुपए, इग्नोर या कंसीडर करके बताने का? इग्नोर. ओके, लेकिन अगर ये दो दस करोड़ में दो करोड़ है, कंसीडर करो और बताओ, यही लॉजिक है ना? अगर मटेरियल है तो बताओ, मटेरियल नहीं है तो इग्नोर करो. इज दैट पॉइंट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? लेकिन ये दो रुपए का जो मिसस्टेटमेंट है, ये दो रुपए का फ्रॉड है. दस करोड़ में दो रुपए का फ्रॉड है, फ्रॉड है, पर दो रुपए का फ्रॉड है.
मेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वापस मैं बोलता हूं, वापस रिपीट करता हूं मैं, सुनो मैंने आपको क्या बताया, कौन सी चीजें शेयर होल्डर को हाईलाइट करोगे, यानी सबको बताओगे कि यदि ये गलत कर रहे हैं, मटेरियल है या मटेरियल नहीं है, मटेरियल है। अब मेरा क्वेश्चन है, 10 करोड़ की बैलेंस शीट थी, उसमें 2 रुपए का मिसस्टेटमेंट है, मिसस्टेटमेंट है, तो मेरे को बताओ शेयर होल्डर को बताओगे या इग्नोर कर दोगे? इग्नोर, ठीक है ना यार, 2 रुपए का क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और अपन ऑडिट रिपोर्ट में लिखते भी है शेयर होल्डर को कि हमने आपको वही चीज बताई है जो मटेरियल है, जो चीज मटेरियल नहीं है वो इग्नोर किया है, ये लिखेंगे भी अपन रिपोर्ट में, अपन देखेंगे ये मंथ एंड तक अपना चैप्टर ये और वो चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद चैप्टर 11 चालू होगा, ओके, जो फर्स्ट ईयर फर्स्ट वीक ऑफ ईयर रहेगा उसमें आप देखोगे रिपोर्ट, अपन मेन रिपोर्ट भी जाएंगे, एचयूएल की रिपोर्ट जानिए जाएंगे, तुम बताना एक दो रिपोर्ट अपन देखेंगे, तुम कंपनी का नाम लो रिपोर्ट गूगल पे जाके देख लेंगे अपन, ओके। मैं अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, ओके, अगर मिसस्टेटमेंट मटेरियल नहीं है तो मैं इग्नोर कर दिया, शेयर होल्डर को बताऊंगा नहीं मैं, मेरा क्वेश्चन है 2 रुपए का एक एरर था आपने इग्नोर किया, ठीक है, लेकिन 2 रुपए का एक फ्रॉड था, नोट्स में मतलब अपने ऑडिट रिपोर्ट, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नोट्स, अपन के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेना देना नहीं है, अपन ऑडिट रिपोर्ट देंगे, तो मेरा क्वेश्चन है क्या मैं ऑडिट रिपोर्ट में इसको डालूंगा कि 2 रुपए का फ्रॉड हुआ था? चलो मैं इस तरह से था, जब मिसस्टेटमेंट था मैंने बोला 10 करोड़ में 2 रुपए का मिसस्टेटमेंट था, क्या मैं अपने ऑडिट रिपोर्ट में लिखूंगा 2 रुपए गलत है? नहीं, इग्नोर करेंगे ना अपन, लेकिन फ्रॉड रहा तो, यानी याद रखना एक प्रिंसिपल बिठा के रखना जो शायद मैं कल अपडेट करना रह गया, फ्रॉड में कभी भी मटेरियलिटी चेक नहीं करते, इवन 1 रुपीज फ्रॉड इज फ्रॉड, फ्रॉड है बॉस, आर यू जोकिंग, मतलब फिर तो हर जन क्या करेगा, फिर जानबूझकर फ्रॉड करेगा, कौन से छोटे जो तुम मोटिवेट कर रहे हो यार, समझ में आया, तो फ्रॉड इवन 1 रुपी का फ्रॉड हुआ तो भी करना है, ओके, इज दैट पॉइंट क्लियर? यस पंडर, देखो अभी इसका क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन का इंटेंशन क्या है, इसका क्वेश्चन का इंटेंशन ये है कि अपन ने मटेरियलिटी के नीचे छोड़ा है, ओके, ठीक है, इसके क्वेश्चन को लेता हूं, पर उसके पहले आप चीज क्या ध्यान रखोगे, फ्रॉड अगर 1 रुपए का भी है तो, यानी फ्रॉड के लिए अपन मटेरियलिटी नहीं लगाते, फ्रॉड के लिए अपन मटेरियलिटी नहीं लगाते, लेकिन अगर एरर से मिसस्टेटमेंट हुआ है तो मटेरियलिटी लगाते हैं। अब इसका कहना क्या है उसके ऊपर मेरे को अच्छे से आंसर दो, इसका कहना है कि जब एरर हुआ था और 50,000 के नीचे, मैं वापस बोल रहा हूं, अगर 1 रुपए का भी फ्रॉड होता तो अपन तो रिपोर्ट करते थे, लेकिन अगर यहां पर 50,000 का मिसस्टेटमेंट था लेकिन एरर था और अपन ने उसको इग्नोर किया, क्योंकि इग्नोर ही करना था, अगले साल उनको मालूम पड़ गया मटेरियलिटी के ऊपर ये कर रहे हैं, इसलिए अगले साल उन्होंने वो 50,000 की जगह 1 लाख रुपया किया। अब मेरे को बताओ अगले साल जब उन्होंने ये जानबूझकर किया, इट इज फ्रॉड और एरर? फ्रॉड ना भाई, ये फ्रॉड हुआ ना, जानबूझ, फ्रॉड और एरर में फर्क क्या है, खत्म है ना, अगर जानबूझकर तुमने किया तो फिर तो यार, तो अगले साल कुछ भी हो ना यार, 1 रुपया भी किया होगा तो क्या। और ये धीरे धीरे ये आगे के चैप्टर्स में आएंगे, अपने ये नहीं आते, पर लॉजिक मेरे ख्याल से पहला एक बेंचमार्क लॉजिक क्या समझ में आ गया, और एक मैं कल ये पॉइंट रह गया मेरा, तो ये पॉइंट लॉजिक बैठ गया ना, क्या जब भी मटेरियलिटी करोगे तो किसमें कंसिडर नहीं करोगे मटेरियलिटी? फ्रॉड। तो मटेरियलिटी किसमें कंसिडर की जाती है? एरर्स। 1 रुपए का भी फ्रॉड है तो जैसा रिपोर्ट करने को बोला है वैसा रिपोर्ट करना पड़ेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? और मैं वापस बोल रहा हूं, तुम्हारा काम क्या है, मेन मकसद क्या है तुम्हारा, ऑडिटर ऑब्जेक्टिव? नहीं, अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना। अबे बेवड़े, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बस इसके ऊपर ये काम है। तो क्या तुम्हारा काम फ्रॉड ढूंढना है? आर यू इन्वेस्टिगेटर? आर यू इंस्पेक्टर? नो। तो अपनी है ना लाल मत करते जाओ हर जगह, सर मुझे फ्रॉड मिल गया, ओके, इधर फ्रॉड हो सकता है मैं ढूंढूंगा, अगर फ्रॉड हो सकता है, ओके, तुझे मतलब वो गाली वाला वर्ड है, फालतू टाइम पास मत कर, ओके, सर इसका मतलब आंखें बंद कर, ऐसा नहीं है, लॉ अगर कुछ बोल रहा है रिपोर्ट करने तो उत्तर रिपोर्ट कर, लेकिन तू अपने ऑडिट क्या अपने ध्यान से भटक मत। तेरे को जब तू ये पढ़ रहा है, और तेरे को एग्जांपल बोल रहा हूं, तू ये पढ़ रहा था, यस पढ़ रहा था, यस में बहुत इंटरेस्ट आ गया तेरे को, तेरे को ऐसा लगा मां कसम सर सीसा डिसा करना ही चाहिए मैंने, अब तू मुझे पूछ रहा है, तू इंटर दे रहा है और मुझे पूछ रहा है सर सीसा करूं क्या, मैं बोलूंगा बेवकूफ कर पहले, तो तेरा जो काम है वो कर, उसके अलावा मतलब फ्रॉड ढूंढना तेरा काम नहीं है, लेकिन अगर मिल गया तो तुझे क्या करना है वो लॉ बोलेगा उतना कर, पर तेरा मेन काम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना, ओके, औकात के बाहर मत जा, इसके ऊपर ओपिनियन दे, ये सही है कि नहीं इतना बोल,
कंपनी फ्रॉड कर रही है, कंपनी फलाना कर रही है, कंपनी ढिमका कर रही है, कंपनी मुजरा कर रही है। जो तेरा काम है ना वो बोल, तेरा काम क्या है इसके ऊपर, ये गलत है या सही है बता, ये गलत है या सही है बता। ओके, तो तेरा काम ये है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू और फेयर, इतना मेरे को बोलना बस खत्म, तेरा काम ही यही है, इससे ज्यादा तेरा काम नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव ऑडिटर क्लियर कट, क्लियर कट प्रिंसिपल ही दिमाग में बिठा के रखो। क्लियर? तो सर ये ऐसे जैसे अभी एग्जांपल ही आया, अगले साल उन्होंने जानबूझ कर किया, अभी आया तुम ही आंसर दे रहे हो अगले साल उसने, मतलब जानबूझ कर किया मतलब फिर क्या डिस्कशन कर, मतलब आप एक रुपये भी किया होगा तो भी, मतलब क्या फ्रॉड है मैं समझा, रिपोर्ट पर तेरा काम वापस मोड़ो, वो रिपोर्ट क्या करना है लॉ के हिसाब से, तेरा मेन काम तू अपना भूल मत भटक मत, तेरा काम फ्रॉड को रिपोर्ट करना नहीं है, वो लॉ बोल रहा है इसलिए तू करेगा, बाइक बाय प्रोडक्ट है वो, तेरा मेन काम किस पे रिपोर्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सही है कि नहीं ये बता। ओके, ये करते करते बीच में और कुछ मांग सकते हैं वो अलग चीज है, वो तेरा करते रहे, ये तेरा मेन मकसद है, तेरा मेन मकसद सीए इंटर क्लियर होना, सीए इंटर क्लियर हो, तेरा मेन मकसद है सीए फाइनल क्लियर, उसके बीच में शायद ऐसे बीकॉम आ रही है तो तू बीकॉम दे रहा है, ओके बीकॉम दे रहे है, पढ़ के दे रहे नहीं दे रहे है, वो तेरा चॉइस है, उसके ऊपर इंस्टीट्यूट कुछ नहीं बोल रही है, इंस्टीट्यूट क्या बोल रहा है तेरा काम क्या है इंटर क्लियर हो, बस वैसे ही कॉन्सेप्ट है। ऑडिट का काम क्या है, ऑडिट का काम क्या है रिपोर्ट, रिपोर्ट किस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट समझो मेरा, रिपोर्ट किस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उससे बाहर मत जाओ, भारत माता की जय, जीपा मालिक, ठीक है मालिक, ओके परफेक्ट, कौन सा पॉइंट, यस मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला, इमटेरियल है, अच्छा इमटेरियल मिला, मतलब मिसस्टेटमेंट मिला लेकिन जो मटेरियल नहीं है, ठीक है हाँ, रिपोर्ट नहीं करेंगे हाँ, क्यों बताने की जरूरत है, प्रॉब्लम क्या आ सकता है, एग्जांपल बोलना, अभी अभी इसका कहना क्या है समझ में आ रहा है सबको, ये बोल रहा है सर अगर मिसस्टेटमेंट आपने छोड़ दिया मटेरियल नहीं है प्रॉब्लम आ सकता है, तो एग्जांपल दो ना मेरे को प्रॉब्लम का, देखो अभी ये सब चीजें मैं एक ही दिन में समझाऊंगा तो यार मेरे ना वो सारे पत्ते खोल दूंगा ना यार, तो मालूम पड़ा तू 5 दिन के बाद बोलेगा सर हो गया मेरा बैच चलो बाय बाय टाटा बाय पर ये ठीक है जो भी है जोक्स अबाउट, मैं तो जोक्स ही रहा, पर ये क्या क्या लगता है आपको इसको, फिर बताओ आप मेरे को बताओ प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रॉब्लम क्या आएगा बता, अब मेरे को बता तू 2 रुपए के लिए, अगर 2 रुपए चल 2 रुपए मैं बहुत 5-8 अमाउंट बोला लेकिन चलो 10 करोड़ में कुछ 2 लाख रुपया 2 लाख रुपए का मिसस्टेटमेंट था, यानी एग्जांपल फीफो था, फीफो की जगह लिफो किया और उसकी जगह कितने का मिसस्टेटमेंट हुआ 2 लाख, अब मेरे को बताओ 2 लाख मटेरियल नहीं है, एज्यूम करते हैं अमाउंट 5 लाख की मटेरियलिटी है, तो अमाउंट 2 लाख क्या है मिसस्टेटमेंट मटेरियल या नॉट मटेरियल, नॉट मटेरियल, तो मेरे को बताओ अपनी रिपोर्ट में डालेगा कि नहीं डालेगा, नहीं, यानी तेरे हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे है या खराब है, अच्छे है क्योंकि मिसस्टेटमेंट मटेरियल नहीं है, तो मेरे को बता इसका फर्क क्या होगा, क्योंकि अगर तू डालता भी है बाई चांस तू बोलता है 2 लाख का, तो मैं शेयर होल्डर बोलेंगे यार ऑडिटर 2 लाख ऑडिटर, मतलब कुछ कुछ रख यार ऑडिटर, हम शेयर होल्डर कौन सी कंपनी के है, तू ऑडिटर कौन सी कंपनी का है और क्यों चिंदगिरी कर रहा है, समझ में आया, तो मेरे को बता इसका इंपैक्ट क्या होगा, अभी जैसे ये बोला क्या सर इससे फर्क क्या पड़ेगा, ये इग्नोर किया, इसको बताना तो जरूरी है क्यों, पर मेरा क्वेश्चन ये है अपन बताएंगे नो डाउट, मैं वो पॉइंट पे डिस्कस नहीं कर, पर मेरे को एक रीजन दो आप कुछ कारण बताओ ना, कारण के बिना कैसे होएगा, हाँ लिफो फिफो ले ले, लिफो फिफो भी सेम ही है ना रे, डेप्रिसिएशन ले, एसएलएम ले, जो भी ले ठीक है, अभी उससे क्या हुआ, अनट्रू वैल्यू कितने से आई, हाँ फर्क पड़ रहा है वही तो बोल रहा हूं मैं तेरे को, फर्क पड़ रहा है क्या, अनट्रू वैल्यू आई है कितने से 2 लाख, फर्क पड़ रहा है 10 करोड़ में, नहीं पड़ रहा है, मटेरियलिटी अपनी सेट करते हैं 2 करोड़ नहीं 10 करोड़, मतलब अपने मटेरियलिटी कितनी सेट की 5 लाख, 2 लाख से फर्क पड़ रहा है क्या, अभी तो बोल रहे सर गलत हो रहा ना, फिर तो ऐसा देखा तो 1 रुपया भी गलत होगा ना यार, फिर तो ऐसा देखा तो तेरे को हर 1-1 रुपए का तू रिपोर्ट करेगा, अरे यार चिंदी छोड़ नहीं अपन, समझ में आया, लेकिन फिर इसका इसकी कहानी भी बहुत अच्छी है, मतलब फिर ये अपने को बहुत आगे मिलेगा, इतने जल्दी नहीं मिलेगा पर बहुत बहुत ये, बस मैं आपको इसका एक ऐसा हिंट दे सकता हूँ, ओके मेरे को बताओ एफ आई बी कॉम में अपन फेल हुए कोई सब्जेक्ट में, क्या एस वाई में भेजते कि नहीं भेजते, भेजते ना पक्का ना, लेकिन एस वाई में वो पहले वाला पेपर देना पड़ता ना, वैसी तो कुछ कहानी हो सकती है ना, अगले साल में जा रिपोर्ट तेरी नॉर्मल है, हम इसको टोटल अगले साल में ऐड करेंगे, अगले साल में हम देखेंगे, दिमाग मत लगाना, पर मैं ब्रीफ बताया,
वो भी इसने सवाल पूछा थोड़ा सा, इसे मैंने आपको बताया कि ऐसा है कि कुछ चीजें इग्नोर की जाती है, जब अपन बोलते हैं मटेरियल नहीं है तो फिर ऐसे हर साल छोटी छोटी चीजें करके बहुत बड़ी हो जाएगी। ओके, तो ये सब चीजें कवर होगी, पर ये कवर अप कैसे होती है धीरे धीरे देखेंगे, और कुछ कुछ चीजें फाइनल में होगी। तो आपको याद रखना कुछ कुछ चीजें मैं बता तो दूंगा लेकिन फाइनल में है, और फाइनल में बैच भी होती है मेरी। Nevertheless, okay, मेरे ख्याल से कहानी क्लियर मालिक एवरीबडी। ओके, तो ये हो गया आपका चौथा, कितना कौन सा पॉइंट हुआ, पांचवा खत्म गया। छठा एस ए ऑडिट ऑब्जेक्टिव अपन आज नहीं लिखेंगे, ऑडिट ऑब्जेक्टिव ऑडिट और ऑडिट ऑब्जेक्टिव अपन कल लिखेंगे चैप्टर वन में। छठा पॉइंट एस ए का फुल फॉर्म सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। Sufficient and appropriate audit evidence. Dash. Sufficiency means quantity. Appropriateness. Sufficiency means quantity. Appropriateness means quality. Sufficiency means quantity. Comma. Appropriateness means quality. Dot. आगे और statement बचा है, क्या है? Appropriateness is measured by. Appropriateness is measured by. Appropriateness is measured by. क्या रे बेटा? दो शब्द, रिलेवेंस एंड रिलायबल। ओफू टोटल फिक्स असेट्स 10 ऑफ 50 करोड़, टोटल फिक्स असेट्स ऑफ 10, टोटल फिक्स असेट इज इक्वल टू 10 ऑफ 50 करोड़, 10 मतलब नंबर्स ना एवरीबडी। ओके, सफिशियंसी इज इक्वल टू कितना लिया था अपने, थ्री फिक्स असेट्स कितना, वो हिंदी में कितना लिखा है नहीं समझा होगा तो इनक्रिप्टेड है, कभी कभी मतलब ऐसे नहीं समझ, डोंट वरी, मतलब मेरा ऐसा बहुत राइटिंग अच्छी है, मतलब ऐसे वो आप ऐसा मिक्स मत होना के सर की इतनी अच्छी राइटिंग और अपने को नहीं समझ में आ रही, मतलब ऐसा बुरा मत मान के लेना, मतलब प्लीज, मतलब अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। ऐसे होते हैं, कोई 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 ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना भाई, अरे यार गॉड्स गिफ्ट, कुछ कर नहीं सकते यार। मतलब इसे बुरा भी नहीं मानना चाहिए, अगर किसी को ज्यादा गिफ्ट मिला है और अपने को कम मिला है तो ये ठीक है यार, अभी ठीक है। अगला पॉइंट अप्रोप्रिएटनेस, डिमोटिवेट होता बताइए ऐसे देखे, नहीं नहीं करना ही देना, ठीक है आएगा आएगा गिफ्ट आएगा, तुमको भी आएगा, जिस दिन पास हो जाएगा ना फिर राइटिंग का फर्क नहीं पड़ेगा। अप्रोप्रिएटनेस मेरे को बता क्या है। ओके, फाइव डॉक्यूमेंट्स ओके, क्या क्या नाम थे अगर याद है तो, पहला प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, लिख दो सारे लिखो, मेरे को एग्जाम्पल फिक्स करने अपने, प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, म्युनिसिपल टैक्स, लाइट बिल, डेप्रिसिएशन एंड रजिस्टर। प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, म्युनिसिपल टैक्स, लाइट बिल, डेप्रिसिएशन, रजिस्टर, फिक्स एसेट रजिस्टर, फिक्स एसेट रजिस्टर, फिक्स एसेट रजिस्टर, क्लियर। फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं आप, डाल सकते हो, पर मैं एग्जांपल अपन कर रहे तो ठीक है, फिक्स फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, लेकिन जब फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे तो आपको एक्सपर्ट्स को लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या मालूम पड़ेगा बिल्डिंग कब गिरने वाली है, हो सकता मतलब मालूम पड़ा तू गया देखने के लिए, वेरिफिकेशन करने गया, उसके नीचे खड़ा है तो बोला बिल्डिंग बहुत अच्छी है सर आपकी, और अचानक तू गया और तू डायरेक्टली ऊपर ही चला गया, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, और बाद में फेसबुक में लिख रहे आरआईपी तेरे लिए, आरआईपी ऑडिटर बहुत अच्छा ऑडिटर था, फिजिकल वेरिफिकेशन करने गया। तो हमेशा फिजिकल वेरिफिकेशन करते वक्त जो चीज अपनी क्वालिटी एक्सपर्टाइज नहीं है उसके लिए किसी को साथ में लेके जाना पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सपर्ट्स।
ऑडिटर एक्सपर्ट का भी यूज करता है। ओके देखो इन्वेंटरी काउंट करना आपके बस की बात है, अगर मैं बोलूं कैडबरी काउंट करो, काउंट कर सकते हो? यस। ओके आप इमेजिन करो टाटा टी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, ओके और आपने बोला इन्वेंटरी दिखाओ और बहुत खुश हुए, वो बोले आसाम में, तो तू बहुत खुश हुआ, बोला जिंदगी में नॉर्थ ईस्ट जाने का मौका मिल रहा है भाई, वैसे ही नहीं मिल रहा था, गया नॉर्थ ईस्ट में बागानों के बीच में से जा रहा है, ऐसे जा रहा है और तू गाना गा रहा है झूमते पहुंचा, मतलब ऐसे तो मजा आएगा ना क्योंकि ग्रीनरी से जा रहा है। फिर एक जगह बीच में खड़ा करेगा वो जो तेरा मैनेजर है उधर का और वो बोलेगा ये हमारी इन्वेंटरी, तो क्या करेगा एक दो तीन तो उधर किसको लेके जाना पड़ेगा? एक्सपर्ट। ओके तो यूजुअली ऑडिट केस में होता है। ओके अभी ऑयल एंड गैस कंपनी, अभी वो उनके पेट्रोल किधर रहते रहे? जमीन के अंदर, वो समुद्र में, तो एज्यूम कर तू भारत पेट्रोलियम का ऑडिटर है, इंडियन पेट्रोलियम जो भी है वो, और तू लेके गया तू पांडुबी में गया, तेरा सपना था बचपन से, मालूम ना सबमरीन, तू बचपन से सपना देख रहा था कभी तो सबमरीन में जाऊंगा, सबमरीन में गया ऐसा बहुत भारी 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 ऐसा लग रहा था, वाह वाह लाइफ इन सबमरीन, डाला तूने पोस्ट और फिर बाद में सबमरीन एक जगह पहुंची और उधर से खड्डा दिख रहा है जमीन, मतलब ब्लैक होल, और उसके बाद वो बोला इधर ऑडिटर देख उधर तेल है, अब तो क्या खुद ही मारे तेल गिनना तो किसको लेके जाना पड़ेगा? एक्सपर्ट, क्योंकि डायमीटर कितना, उसका लेंथ कितना, उसका विथ कितना, ये सारा कैलकुलेशन करके वो कैलकुलेशन मारा जाता है, उसमें भी क्वालिटी कैसी आती है ये सब चीजें। तो याद रखना जब ऑडिटर होता है ना, ऑडिटर को एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, जिधर जिधर ऑडिटर, याद रखना मैं वापस बोल रहा हूँ, मां कसम तोड़ पीटूंगा। ओके क्या टैक्स कैलकुलेशन के लिए एक्सपर्ट लगेगा? नहीं लगेगा, क्यों? तेरे को आता है? ओके कल मैंने आपको समझा था, तुम जिंदगी में सिर्फ दो चीज के एक्सपर्ट हो, ऑडिट एंड अकाउंट्स, याद रखना ये दो चीज के लिए कभी एक्सपर्ट मत लेना, समझा? इन दो चीज के अलावा तेरे को जिस चीज के लिए एक्सपर्ट चाहिए सबके लिए ले सकता है, यानी ऑडिटर कैन यूज द एक्सपर्ट्स फॉर टैक्स लॉ, डोंट टेल ऑडिटर विल बी यूजिंग एक्सपर्ट फॉर अकाउंट्स, अबे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कर रहा तू बोल रहा है, नहीं शेड्यूल 3 मालूम नहीं ना मेरे को, इसके लिए पूछना पड़ रहा है समझा? तो तू कभी भी लाइफ में कौन सी चीजों के लिए एक्सपर्ट नहीं ले सकता? अकाउंट्स एंड ऑडिट, बाकी सब चीजों के लिए एक्सपर्ट ले सकता है, बाकी सब चीजों के लिए, टेक्नोलॉजी जो जो चीज बोले वैसा। ओके तो ये याद रखना। ओके अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक मेंशन कर दो, डेटर्स लिस्ट क्या है? इज नॉट रिलेवेंट, मैं बोल रहा हूं जितना आप उफू रखोगे उतना आपको और मतलब वो क्लैरिटी रहेगी मैं किस टर्मिनोलॉजी में बात कर रहा हूं। डेटर्स लिस्ट इज नॉट रिलेवेंट, और मेरे को बताओ रिलायबल के लिए क्या लिखोगे? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिटर्न, बस थर्ड पार्टी पर दो एक लिखो, बस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिटर्न, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एग्जांपल ओरिजिनल कॉपी ऑफ एग्रीमेंट, रिलायबल। जी मालिक, ठीक है। सातवां TCWG, फुल फॉर्म लिख दो इसका, बस TCWG का फुल फॉर्म, those who are charged with governance, और एग्जाम्पल क्या लिखोगे? एग्जाम्पल बोला मैंने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी, ये दो नाम कॉमनली यूज किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिट कमेटी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है। क्या हम TCWG से कभी भी मिल सकते हैं? नहीं, तो कौन बताएगा हमने कब मिलना चाहिए? स्टैंडर्ड मतलब अपने ICI ने, तो याद रखना ऐसे 265 ब्रैकेट में लिख दो, बाद में देखेंगे वो क्या है, ऐसे 265। वैसे अपने सिलेबस का नहीं है 265, लेकिन 265 का जिक्र है बहुत जगह, 265 आपको CA फाइनल में, 265 इधर नहीं है, लेकिन मैं ब्रीफ बताऊंगा क्योंकि कुछ कुछ जगह जिक्र है उसके बिना काम नहीं होगा। ऐसे 265 ऐसे है, ऐसे ऐसे का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके एंड आठवां एंड आखिरी पढ़ाओ, AFRF, AFRF फुल फॉर्म एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क।
एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कैसे डॉट कौन से फ्रेमवर्क हो सकते हैं ऑडिट में? जीपीएफ एंड एसपीएफ। नेक्स्ट लाइन, टू फ्रेमवर्क्स कैन बी ए कौन सा? जीपीएफ का फुल फॉर्म जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। कैसे डिफाइन करोगे? नहीं रे, ये तो अपन लिख रहे हैं। अभी तू यूएस में जाएगा तो इंडिया से ये लिखेगा क्या? जीपीएफ ओफू नहीं लिखना है, मैं कैसे लिखोगे? इट इज एप्लीकेबल टू ऑल क्या ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन सिमिलर इंडस्ट्री। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन सिमिलर इंडस्ट्री। जीपीएफ का फुल फॉर्म लिखा आपने पहले, जनरल पर्पज फ्रेमवर्क डैश। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन सिमिलर इंडस्ट्री। दूसरा पॉइंट एसपीएफ, एसपीएफ एसपीएफ का फुल फॉर्म स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। बताओ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ओके, इट इज एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक एंटिटी ऑपरेटिंग इन सिमिलर इंडस्ट्री। सिमिलर इंडस्ट्री। ओफू क्या है इसका? ओके, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क का ओफू एएस इंडेस, और एसपीएफ का जर्मन गैप, यूएस गैप, जो भी अदर है याद रखना। और खाली जर्मन गैप मत ध्यान रखो, मैंने आपको दो तीन ओफू और दिया है, लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन दिमाग में रखना। एग्जाम्पल बैंक लोन ले रहे हो, अगर बैंक बोल रहा है मेरे को लिफो की जगह फिफो बना के दो, तो भी कौन सा हुआ? एसपीएफ। अगर मैं लोन दे रहा हूं, मतलब आप समझे, टर्म्स अगर मैं कर रख रहा हूं और मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज करके मैं बना के दे रहा हूं, ये कौन सा हो जाएगा? एसपीएफ। और मैं आपको बता रहा हूं जीपीएफ एसपीएफ, प्लीज अंडरस्टैंड, आपको दो तरह के डिफरेंट फ्रेमवर्क आएगा। ये तो जीपीएफ एसपीएफ लिखा है। ओके, नेक्स्ट 7-8 लेक्चर के बाद, ओके, जब अपने पास आएगा तब आपको और एक नाम मिलेगा, ध्यान रखना कान खुलेगा। और मैं आज बता के रख रहा हूं, एक होगा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और एक होगा कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ये दो फ्रेमवर्क हो गए, याद रखना। जब भी ऑडिट एक्सेप्ट किया जाता है तो ये फ्रेमवर्क होता है, यानी पहले 7 दिन, 8वें दिन से अपन ये फ्रेमवर्क छोड़ देंगे, ये फ्रेमवर्क से बाहर है अपन, ये फ्रेमवर्क से जीपीएफ एसपीएफ वापस डिस्कस ही नहीं होता। ऑडिट एक्सेप्ट हुआ, टाटा बाय बाय, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो डिस्कशन होता है वो होता है दूसरे दो फ्रेमवर्क, एक होगा कंप्लायंस फ्रेमवर्क और एक होगा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। पर वो कॉमन पूल नहीं है, वो सिर्फ एक ही चैप्टर में, दैट इज चैप्टर 11। ये अपन डिस्कशन डिटेल में चैप्टर 1 में करेंगे, लेकिन इसका बार बार डिस्कशन कंटेंट आएगा, लेकिन इसको यूज नहीं करेंगे अपन बार बार। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, टोटल 13 चैप्टर अपने सिलेबस में है। वैसे मैं आपको बता दूं, ओके, जो सिलेबस के आपने देखा होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बुक्स जो अपने पास आई, अपनी मॉड्यूल घर पे आती है, तो मॉड्यूल में आपको एक मेन बुक मिली होगी और दूसरी और एक आपको एक मेन स्टैंडर्ड्स की बुक मिली होगी। वो स्टैंडर्ड्स की मतलब बुक मतलब क्या? बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट, स्टैंडर्ड्स का बेयर एक्ट। तो सर क्या वो हमें पढ़ना जरूरी है? आंसर इज यस। ओके, बट टू बी वेरी प्रिसाइज, आप समझ रहे हो, जो आपकी मेन बुक है, जो आपकी मेन बुक है, ओके, वो मेन बुक में इटसेल्फ चैप्टर के अंदर स्टैंडर्ड्स है, समझ रहे कुछ? जो आपकी मेन बुक है, एक ऑडिट की मेन बुक है, उसमें ही चैप्टर के अंदर स्टैंडर्ड्स है, ओके, और उसके अलावा, मतलब वो स्टैंडर्ड जो इधर है, ये कॉपी पेस्ट उधर भी मिलने वाले हैं, जो आपकी दूसरी बुक है, जो स्टैंडर्ड्स की मेन बुक रही है, आपके घर पर मॉड्यूल बता रहा हूं, अपनी मैं दे रहा वो नहीं। ओके, इन शॉर्ट, आपका जो बेयर एक्ट स्टैंडर्ड की, उसमें सारे स्टैंडर्ड 200 से लेकर ओके 800 की सीरीज तक आपके सारे स्टैंडर्ड कवर है उसके अंदर।
200 से 800। अब मेरे को पूछना मत सर नंबरिंग क्या, 200 300 400 ऐसा नंबरिंग क्या है, मेरे को भी नहीं मालूम, तेरे को मालूम पड़ा तो मेरे को बता देना। ओके 1 2 3 क्यों नहीं चालू किया, मेरे को भी नहीं मालूम भाई। ओके इसका इंटेंशन है क्या नहीं है, पर 200 स्टैंडर्ड से चालू हो रहा है और 200 से लेकर 800 तक का मेन एक्ट में है। पर आपके सिलेबस में ओके बहुत सारे स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है सर, कहां से मालूम पड़ता, आरटीपी से। आप पिछली आरटीपी देख लो, ओके आप उसके पहले वाली आरटीपी देख लो और आपके टाइम की आरटीपी देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। वो क्लियरली बता देते हैं कि एग्जांपल बोलो 265 अपने सिलेबस में नहीं है, तो 265 आपके जो मेन बुक है जिसमें 13 चैप्टर है उसमें तो है ही नहीं, उसमें जिक्र किधर किया होगा छोड़ दे, बस स्टैंडर्ड पूरा नहीं है, पर वो आपके अदर बुक में स्टैंडर्ड 265 है लेकिन आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि वो एप्लीकेबल नहीं है, तो उसमें से ये फिल्टर कंटेंट है। अब पॉइंट ये है जो उसमें ऑलरेडी है अपनी मेन बुक में भी है, तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने दोनों बुक को कंबाइन किया। जैसे कंबाइन कैसे किया, मैंने 13 चैप्टर रखे जो आपके मेन बुक के चैप्टर्स है जिसके अंदर ऑलरेडी स्टैंडर्ड कवर कर रहा है, जिसके अंदर ऑलरेडी स्टैंडर्ड कवर कर रहा है, स्टैंडर्ड का सीक्वेंस क्या है, स्टैंडर्ड का रटने का पॉइंट क्या है, स्टैंडर्ड का क्या पॉइंट है, ओके सब वो लेटर में पाठ हो जाता। ओके लेकिन ओके मैंने और एक 14वां चैप्टर डाल दिया जिसमें जो स्टैंडर्ड अपने 13 चैप्टर में नहीं है, जो स्टैंडर्ड अपने 13 चैप्टर में नहीं है लेकिन अपने को एप्लीकेबल है, कुछ समझ में आ रहा है मालिक, यानी जो स्टैंडर्ड अपने सिलेबस में नहीं है, यानी अपने चैप्टर में नहीं है वो स्टैंडर्ड लेकिन वो अपने को एप्लीकेबल है। कहां से मालूम पड़ा एप्लीकेबल है, क्योंकि अपने को एक लिस्ट दी जाती है कि एप्लीकेबल कौन से नहीं है, अपनी लिस्ट कौन सी है मालूम है, ओके एक्सक्लूसिव वाली, इंक्लूसिव वाली नहीं, ये एक्सक्लूडेड है, यानी इसका बचा हुआ। अब ये बचे हुए में से एक लिस्ट आई, एग्जांपल बोल रहा हूं, एक बचे हुए में से 38 की लिस्ट है, 38 में से ऑलरेडी 34 अपने चैप्टर्स में ऑलरेडी कवर्ड है, तो बचे हुए 4 मैंने वो चैप्टर 14 में डाल दिए। कुछ समझ में आ रहा है मालिक, यानी अगर मेन मॉड्यूल में जाओगे आपको कितने चैप्टर मिलेंगे, आपके मॉड्यूल में 13, अपने इसमें कितने मिल रहे हैं 14, पर 14 कैसे मिल रहे, समझ में आया, ये सीखना है। इसके अलावा दो चार जगह ऐसा है जिधर आप मॉड्यूल मैच करोगे और अपनी मेन बुक मैच करोगे तो मैच नहीं होगा, यानी अपनी मेन बुक में कुछ ज्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, ज्यादा मिलेगा या आगे पीछे थोड़ा सा मॉडिफाइड मिलेगा। सर ये क्या, मेन बुक में एग्जांपल बोल रहा हूं, एग्जांपल डायरेक्टली एग्जांपल बोल रहा हूं, ऐसे फाइव अपने लिए जो सीरीज है उसमें 501 स्टैंडर्ड है जिसमें इट इज यूज फॉर 3 आइटम्स, एग्जांपल बोल रहा हूं, अपने मॉड्यूल में सिर्फ 2 आइटम का कवर्ड है लेकिन बेयर एक्ट में 3 आइटम कवर्ड है, बेयर एक्ट में 3 आइटम है, मॉड्यूल में चैप्टर 3 भी है, वो 3 बी में कितने आइटम कवर है, खाली 2, और मॉड्यूल में कितने कवर है 3, और वो स्टैंडर्ड अपने को एप्लीकेबल है, तो इसका मतलब तीनों के तीनों अपने को एप्लीकेबल है भले मॉड्यूल में ना हो क्योंकि बेयर एक्ट में है। तो अभी इसको अलग से मैं और एक 14वां चैप्टर में डालूंगा तो पेजेस बढ़ेंगे, तो मैंने क्या किया, जो चीज चैप्टर में नहीं थी बेयर एक्ट में थी, चैप्टर में नहीं थी बैरक में नहीं थी, बैरक में थी मैंने उसको उठा के चैप्टर में घुसा दिया, समझ में आया, मतलब कुछ कुछ जगह आपको चैप्टर का लेंथ थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा किसके कंपेयर से, मॉड्यूल। उसका रीजन समझ में आया क्या, नहीं, हाँ समझ में आया, इसीलिए तो यानी आपका दो चीज चेंज होगी आपकी मेन बुक में, अगर मैं थोड़ा सा इसको एम्फसाइज करूं तो मेन बुक में दो चीज चेंज होगी, दो चीज क्या चेंज होगी, सबसे पहला सिनेरियो अगर देखा जाए तो आपको पहला पॉइंट है कितने चैप्टर मिलेंगे 14 चैप्टर, और 14 चैप्टर में से ओके यानी अपनी मेन मॉड्यूल में कितने हैं 13, इधर है 14, और दूसरा सिनेरियो हो हर चैप्टर के इसमें कहीं ना कहीं कंटेंट थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। ओके थोड़ा सा एक बैकग्राउंड आज के इसमें, एक 2 मिनट में अपन मैं स्ट्रक्चर आपको खाली ब्रीफ बता दूं, ओके इसके बाद अपन आज के लिए एंड करते हैं और कल अपन जब स्टार्ट करेंगे वी विल स्टार्टिंग विद चैप्टर 1, लेकिन मैं कुछ स्ट्रक्चर में बताने वाला हूं, वो स्ट्रक्चर 5-10 मिनट का जाएगा, उसके बाद मैं चैप्टर 1 चालू करूंगा। चैप्टर 1 का कोई भी चैप्टर पढ़ने का अपना तरीका सिमिलर होगा, ओके जो ईएस दिख रहे हैं, जो ईएस नहीं दिख रहे उनके लिए मैं बता दूं स्ट्रक्चर क्या रहेगा, अपना तरीका एकदम सिंपल रहेगा। हर चैप्टर का सबसे पहले आपका मेन चार्ट बनेगा, यानी एग्जांपल अगर मैं चैप्टर वन बोलता हूं तो उसका एक मैं मेन चार्ट बनाऊंगा। एग्जांपल चैप्टर 1 अपन 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट होगा बेसिक्स, मैं कल आपके सामने डिवाइड करूंगा, मैं आपको खाली स्ट्रक्चर बता के रख रहा हूं, रेडी कर रहा हूं। दूसरा होगा एसए 200, तीसरा होगा एसए 220 और तीसरा होगा एसए 210। ये पहला स्ट्रक्चर, यानी चैप्टर 1 याद आते ही अपने लिए कितने स्ट्रक्चर याद आना चाहिए, 3। ओके ये 3 स्ट्रक्चर याद आना चाहिए, तो पहला सेट आपका स्टार्टिंग रहेगा कि ये चार्ट याद रखना। इसके बाद ओके बेसिक्स का चार्ट बनाएंगे, बेसिक्स के अंदर ओके अपन वापस चार्ट बनाएंगे जिसके अंदर 8 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। उसी तरह ऐसे 220 के अंदर ओके आपके 6 क्वेश्चन की सीरीज होगी, 6 क्वेश्चन बोला है, मतलब 6 क्वेश्चन नहीं है उसके अंदर, सेकंड के अंदर उसके अंदर खुद के अंदर 5 क्वेश्चन है,
पर ये चार्ट, चार्ट आपको कंट्रोलिंग पॉइंट रखेगा। आप समझ रहे हो मालिक, ये चार्ट का कंट्रोलिंग पॉइंट रहेगा। अब सबसे पहले ये चीज समझ लो, आपके सिलेबस में सारे स्टैंडर्ड कवर्ड नहीं है, ओके, पहली चीज। दूसरी, आपके सिलेबस में खाली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ही कवर है। और तीसरी चीज, ओके, देयर मे बी अ सिचुएशन, देयर मे बी अ सिचुएशन जहां पर ओके व्हाट बेरेक का स्टैंडर्ड बोल रहा है और आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर में कुछ स्टैंडर्ड है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, मैं सिचुएशन बताऊंगा, ओके, ऐसे भी सिचुएशन है। तो देयर मे बी सिचुएशन, मतलब ऐसे तीन जगह आपको मिलेगी सिचुएशन जहां पर कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा। सर वहां पर क्या करने का? ओके, वहां पर अभी कॉन्फ्लिक्ट ही है, यानी उधर एग्जामिनेशन में क्या करना चाहिए मैंने, तो एग्जामिनेशन में मैं अपना सजेशन दे दूंगा, लेकिन वो मेरा सजेशन होगा। ओके, क्योंकि उसका कहीं पर भी आरटीपी में क्वेश्चन नहीं आया है, उसका कहीं पर भी मैंने सजेस्टेड आंसर या क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं देखा है। तो जब तक उसका क्वेश्चन ही नहीं आया है, इंस्टीट्यूट अपन से क्या एक्सपेक्ट कर रही है वही नहीं मालूम पड़ेगा। एक सिंपल एग्जांपल बोलूं, अगर मेरे पास ऑडिटर हो तो मेरे को पता मैं काम करूंगा तो मेरे पास क्या आने चाहिए जिसके ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस आता है, मुझे एविडेंस आता है। एविडेंस का फुल फॉर्म क्या बोलते अपन उसको, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये ऑडिट एविडेंस जिस फाइल का हिस्सा बनेंगे, फाइल का एक फाइल बनेगी, वो फाइल को बोलते अपन वर्किंग पेपर। ये वर्किंग पेपर, एक फाइल बोलते हैं वर्किंग पेपर, फाइल समझ में आ रहा है फाइल। ये फाइल किसकी प्रॉपर्टी है? ऑडिटर की। अभी अगर मैं बात करूं ऑडिटर की प्रॉपर्टी, आपका प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऑडिटर की प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड बोले एसक्यूसी जो अपने को एप्लीकेबल है, ओके, वो बोलता है फर्म की प्रॉपर्टी है, पर वो किधर बोलता है? बेयर एक्ट में। लेकिन अगर अपन चैप्टर 3A देखे, 3A में लिखा है एसक्यूसी 1 बोलता है ये फर्म की प्रॉपर्टी नहीं है, ऑडिटर की प्रॉपर्टी है, जबकि एसक्यूसी 1 क्या बोलता है? फर्म की। अभी वो एसक्यूसी 1 क्या है? कुछ एक स्टैंडर्ड है, ये समझ लो बस। तो ऐसे कुछ एम्बिग्यूटी वाले पॉइंट है, यानी जो बेयर एक्ट कुछ और बोल रहे हैं और आपके चैप्टर का आंसर कुछ और बोल रहा है। भाई तीन जगह कम से कम है, तीन जगह ये पॉइंट है, ओके, जिधर आपने को आएगी एम्बिग्यूटी। तो ऐसे केसेस में आपको हाईलाइट कर दूंगा मैं क्या स्ट्रक्चर करना। ओफू ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, एग्जाम्पल जो अपने को लिखने का रहेगा। ओके, कल स्टार्ट करते हैं, कल और परसों में अपना बेसिक पोर्शन कवर होगा। ओके, यानी दो दिन में अपने कितने क्वेश्चन होंगे? 8। ओके, कल और परसों में, फिर डे आफ्टर टुमारो, उसके बाद दो लेक्चर जाएंगे अपने ऐसे 220 में। ओके, और एक लेक्चर ऐसे 220 का बचा हुआ पोर्शन और ऐसे 210 का पोर्शन। इस तरह से अपने अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 लेक्चर के अंदर अंदर ये पोर्शन कवर होता है मालिक। ओके, मार्किंग स्कीम एंड अदर थिंग्स कल बात करते हैं। सी यू टुमारो, टेक केयर, थोड़ा कम खाया करो दोपहर को ताकि नींद ना आए। पार्टी अभी पार्टी। बाय मालिक। अबे चुटकी you